हमारे साथ जब भी कोई बंदा नया ज्वाइन होता है तो नए ज्वाइनर के लिए बहुत मुश्किल का वक्त होता है कि किसी और की ज्वाइनिंग निकाल सके, प्लान देके किसी को ज्वाइन करा सके। ये थोड़ा टफ काम है, यस या नो? लेकिन बहुत आसान काम होता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को ले जाके मार्केट में जरूरतमंद लोगों को बेच के, और जो हमारा पैसा लग गया है या जो प्रोडक्ट हमने लिए है उस प्रोडक्ट को निकाल के वहां से इनकम जनरेट करना, यह सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। लेकिन इसके लिए आपके पास कंपनी के जो भी 50 प्रोडक्ट है उन 50 प्रोडक्ट का नॉलेज आपके अंदर बिल्कुल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट देने से रिजल्ट आ जाते हैं और कौन से प्रोडक्ट देने से रिजल्ट नहीं आते हैं। तो दोस्तों आज एसलीपीएस वेलनेस के पास 5 कैटेगरी में लगभग 50 प्रोडक्ट है। कितने प्रोडक्ट है? कितने कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट है? 50 प्रोडक्ट है। एसलीपीएस के पास 5 कैटेगरी में अभी के डेट में 50 प्रोडक्ट है। और खुशी की बात यह है कि अभी जो नए जो आपके सामने फूड सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट आए हुए हैं दोस्तों, फूड सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट के रिजल्ट गजब के आने वाले हैं। कल मैं 3-4 दिन से फूड सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट की स्टडी कर रहा था, मैं उसकी केमिकल जो फिजियोलॉजिकल कंपोजिशन है मैं वो चेक कर रहा था, उसके जो यूजेस है मैं देख रहा था, और मुझे मतलब बिल्कुल बड़ा आश्चर्य लगा कि जो अभी समस्याओं जो छोटी छोटी कुछ समस्याएं थी जिसको हम लोग हिट नहीं कर पाते थे, अभी अपने पास उसका उपाय आ गया। जैसे आंखों के लिए अपने पास कोई उपाय नहीं था, नहीं था ना? आज आपको बताएंगे आंखों में क्या देना है। कान के लिए अपने पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, नहीं था ना? आज आपको बताएंगे कि क्या देना है। कैंसर के लिए अपने पास अभी क्लोरोडोग नहीं आ रहा है तो सारे लोग हताश निराश थे, प्रोडक्ट क्या दो, सारे लोग हताश निराश थे, उनको पता नहीं चल रहा था क्या दिया जाए, यस या नो? अब आज आपको बताएंगे। अर्थराइटिस की समस्या को और स्पीड में रिजल्ट कैसे दिया जा सकता है, इसका रिजल्ट अपने पास नहीं आ रहा था, यस या नो? वो जो 10% रिजल्ट जो नहीं आ रहा था, आज की ट्रेनिंग में हम आपको बताएंगे कि उस 10% रिजल्ट को और अच्छा कैसे बढ़ा दिया जाए। हार्ट अटैक की जो समस्याएं आती थी जिसमें कई लोग आप प्रोडक्ट देते थे, कई लोगों की बीपी नॉर्मल होती थी, कई में प्रॉब्लम आती थी, उस रिजल्ट को एफिशिएंटली कैसे इंक्रीज किया जाए, आज हम उसको इसकी भी नॉलेज यहां पे लेने की कोशिश करेंगे। आर यू रेडी? तैयार है सारे लोग? चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं सबको। पता है कि जब भी कहीं भी प्रोडक्ट की बात आती है तो सबसे पहला हेल्थ कैटेगरी का हमारे पास प्रोडक्ट आता है, वो है हमारा प्यारा इनोडो। क्या नाम है उसका? इनोडो। क्या नाम है उसका? इनोडो। आज तक आप लोग इम्यूनोडॉग को नॉर्मल इम्यूनोडॉग देखते थे, लेकिन आज मैं बताता हूँ कि इम्यूनोडॉग इतना फायदेमंद क्यों होता है। दोस्तों इम्यूनोडॉग के अंदर क्या क्या डाला हुआ है एक बार आप इंग्रेडिएंट देखिए। इसमें एलोवेरा डाला हुआ है, त्रिफला डाला हुआ है, कोकम डाला हुआ है, तुलसी डाला हुआ है, जिंजर डाला हुआ है, गिलोय डाला हुआ है, अश्वगंधा, पूरनमासा, मुलाठी और एप्पल एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। समझ में आ रहा है? लोग बोलते हैं कि इम्यूनोडॉग इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, एग्जैक्टली इम्यून सिस्टम बूस्टअप करता है क्योंकि इसमें एप्पल एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। लोग बोलते हैं सर्दी खांसी को यह सही करता है, कितना भी आपका गला जाम हो उसको सही करने के काम करता है क्योंकि इसमें मुलाठी एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। लोग बोलते हैं पूरी बॉडी की सर्विसिंग करता है क्योंकि इसमें पूरनमासा डाला हुआ है। समझ में आ रहा है? इम्यूनोडॉग हम सारे लोग एज ए बॉडी सर्विसिंग एजेंट किसी को दे सकते हैं। इम्यूनोडॉग कोई दवा नहीं है, ये क्या है? डेली नीड आयुर्वेद है। क्या है ये? डेली नीड आयुर्वेद है। एसलीपीएस की कोई भी प्रोडक्ट दवा नहीं है, हम मेडिसिन किसी प्रोडक्ट को नहीं बोल सकते। सारे प्रोडक्ट क्या है? रस है। क्या है? आज के बाद किसी को मत बोलना कि मैं आपको दवा दे रहा हूं। क्या बोलना है अपने को? रस दे रहा हूं। आप किसी को दवा, आयुर्वेद को दवा का नाम आज तक मिला ही नहीं। आयुर्वेद को दवा का नाम मिल जाए तो फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले चढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हम लोग दवा नहीं देते, हम लोग क्या देते हैं? रस देते हैं। आयुर्वेद और एलोपैथिक के जो वर्किंग स्टाइल उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। एलोपैथ क्या करता है, उसमें केमिकल्स होता है जो बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है उस प्रॉब्लम पे एग्जैक्ट जाके इंपैक्ट करता है क्षणिक मात्र के लिए। जैसे किसी को अगर फीवर है तो हम जो फीवर के लिए पैरासीटामोल लेते हैं तो पैरासीटामोल केवल फीवर को डाउन कर देता है, फीवर हुआ क्यों इसको कुछ नहीं करता उसके अंदर। लेकिन अगर आप आयुर्वेद का सहारा लेंगे तो आयुर्वेद फीवर को इसलिए डाउन करता है क्योंकि जिस वजह से फीवर हुआ था उसको स्लो डाउन कर देगा या उसको सप्लीमेंट देके बॉडी को नरिश करता है।
तो अपना जो इम्यूनोडॉग है आपके सामने, इम्यूनोडॉग रोग प्रतिरोधक क्षमता को सही करने का काम करता है। क्या काम करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को सही करने का काम करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। हम सारे लोगों के बॉडी के अंदर सेना बैठी हुई है, वो सारे सेना को तंदुरुस्ती प्रदान करता है। तो जब कोई अटैक करे तो यहां से धड़ाधड़ फायर करके लोग उस पर लड़ जाते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, सर्दी खांसी जुकाम माइग्रेन की समस्या हो गया, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है इम्यूनोडॉग। बॉडी सर्विसिंग एजेंट है, आपकी ब्लड में अगर कोई प्योर टॉक्सिक मटेरियल है तो उस टॉक्सिक मटेरियल को भी निकालने का काम करता है। इसमें कोकन डाला हुआ है, समझ में आ रहा है? एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट टाइप भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है, समझ में आ रहा है? तो हर किसी को, खास करके एक नेटवर्कर को इम्यूनोडॉग जरूर यूज करना चाहिए। किसी को अस्थमा है वैसे केस में हम लोग दे सकते हैं, है ना? अस्थमा वाले को आज के बाद ज्वाइंट ग्रेटर वाले नहीं देना, क्या देना है? इम्यूनोडॉग देना है, समझ में आ रहा है? लेने का तरीका इसका बहुत आसान है। कैसे लेना है? खाने के घंटे बाद 20 ml दो टाइम। अगर किसी को गैस एंड एसिडिटी है तो गैस एंड एसिडिटी के केस में इस प्रोडक्ट को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? खाने के घंटा पहले 20 ml दो टाइम। कैसे इस्तेमाल करना है? खाने के घंटा पहले 20 ml दो टाइम। दे सकते हो? दे सकते हो? इम्यूनोडॉग की पावर को बूस्ट करने के लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो दो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला आपके पास है ओमेगा 3 कैप्सूल। कौन सा? ओमेगा 3 कैप्सूल, और दूसरा पंच तुलसी। अगर कहीं भी किसी को आप प्रोडक्ट दे रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ये दो प्रोडक्ट को आप साथ में बूस्टर टाइप अगर आप यूज करेंगे तो रिजल्ट आपकी दोगुनी बढ़ जाएंगे। कौन कौन से दो प्रोडक्ट हैं? ओमेगा 3 कैप्सूल और पंच तुलसी। अगर ये दो प्रोडक्ट दे देते हैं इम्यूनोडॉग के साथ तो जो जिस चीज के लिए भी आप प्रोडक्ट को यूज करवा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा बूस्टअप आ जाता है, उसमें बहुत ज्यादा पावर आ जा सकती है। नेक्स्ट अपना अगला प्रोडक्ट है क्लोरोडॉग, जिसके लिए मारा मारी हो रही है। ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, यस या नो? क्योंकि इसकी रिजल्ट बहुत तगड़ी आज तक के डेट में मार्केट में आई हुई है। इसमें क्या डाला हुआ है? व्हीट ग्रास डाला हुआ है। व्हीट ग्रास गेहूं जब उपजता है तो उसकी जो हरी हरी पत्तियां होती है तो हरी पत्ती का रस डाला हुआ है इसमें, और डाला हुआ है अल्फा अल्फा क्लोरोफिल। जौ, जौ की जो हरी पत्ती होती है वो इसमें डाला हुआ है, पुदीना डाला हुआ है और तुलसी डाला हुआ है। बहुत सिंपल सी इंग्रेडिएंट है इसकी, लेकिन रिजल्ट इसके बहुत तगड़े हैं। इंटरनल एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ाने का काम करता है, कैंसर में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है ये प्रोडक्ट। इवन थर्ड फोर्थ स्टेज तक के कैंसर में इस प्रोडक्ट ने बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। किसी के दांत मुंह खुल नहीं रहे हैं उन लोगों ने इस प्रोडक्ट को यूज किया है, दो दो तीन तीन महीने के अंदर रिजल्ट आए हैं। यस या नो? आया ना? ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी की ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बढ़ाता है, जो फ्री रेडिकल्स बॉडी में उनको बढ़ाता है, टॉक्सिसिटी को रिलीज करता है ना? हालांकि ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है नहीं, इसलिए मैं इसके ज्यादा तारीफों की पुल नहीं बांधूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि फिर लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। लेने के लिए इसको 30 ml लेना होता था वन टाइम खाने के घंटा पहले, मतलब सुबह खाली पेट अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो 30 साल से ज्यादा एज वाले को तो मैं बोलता हूँ हमेशा ये प्रोडक्ट लेते रहो, आपको जिंदगी में हजारों बीमारियां ये प्रोडक्ट केवल यूज करने से ही निकल जाती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगला अपना पाइलोडॉग, पाइल्स के लिए बिल्कुल जबरदस्त प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग बवासीर बोलते हैं। अब वो खूनी बवासीर हो या नॉर्मल बवासीर हो, उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है इस प्रोडक्ट का। इसमें एलोवेरा डाला हुआ है, त्रिफला डाला हुआ है, मोरिंगा डाला हुआ है, निशोथ डाला हुआ है, सनई डाला हुआ है, नीम पत्ता डाला हुआ है और चिरायता डाला हुआ है। तो पाइल से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, क्योंकि पाइल्स होता क्यों? जब स्कूल टाइट हो जाता है तो मल बाहर निकलने में स्टिफनेस देता है और उसकी वजह से जख्म हो जाता है, और एक्चुअल पाइल्स उसी को बोलते हैं। तो पाइल्स दो वजह से होता है। सबसे पहला, वैसे लोगों को पाइल्स जल्दी हो जाता है जो लोग बहुत तीखा खाना पसंद करते हैं, तो तीखा खाना से आपकी जो आंत है वो सिकुड़ जाती है बहुत ज्यादा। अगर मिर्च वगैरह खाते हैं तो आंतें सिकुड़ती है। दूसरा चीज, पानी अगर कोई कम पीता है उसको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, लीवर की प्रॉब्लम से ये पाइल्स की समस्या ज्यादा होती है। अगर लीवर प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर रहा है, आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपर नहीं निकल रही है, तो आपकी आंतों में प्रॉब्लम होती है, जिसके चलते ये पाइल्स होता है। और सबसे ज्यादा पाइल्स में समस्या कब क्रिएट होती है? जब स्टूल टाइट हो जाता है तो ज्यादा क्रिएट करती है। तो पाइलोडॉग पाइल्स के लिए
बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज है, मतलब पाइल्स और पाइल्स से होने वाली समस्या, जैसे पाइल्स में किसी को अगर गैस बनता है उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट इस प्रोडक्ट का है, पाइल्स में जो घाव हो जाते हैं जिसको हम लोग खूनी बवासीर लोग बोलते हैं उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसमें नीम पत्ता डाला हुआ है जो घाव को भरने का काम करता है, निशोध भरा हुआ है जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस को सही करने का काम करता है। तो अगर कोई भी पाइल्स का प्रॉब्लम अगर आपको दिखाई देता है या किसी को भी पाइल्स होती है तो हम लोग आंख बंद करके पाइलोडॉक दे सकते हैं। पाइलोडॉक लेने का क्या तरीका है, 20 ml 3 times, 20 से 30 ml इसको कैसे लेना है, 3 बार लेना है, सुबह खाली पेट, दोपहर में खाने के बाद और रात को सोने से पहले। कैसे लेना है, सुबह खाली पेट, दोपहर में खाने के बाद और रात को सोने से पहले। जब भी आप पाइलोडॉक किसी को दें तो जरूर से जरूर फूड की आप कुछ बेसिक एडवाइस उसको जरूर दिया कीजिए, क्योंकि आप पाइलोडॉक कितना भी पिला दो अगर उसकी खाने की हैबिट और डाइट चार्ट अगर सही नहीं रहेगा तो पाइल्स रिकवरी नहीं हो सकता है। हमेशा पाइल्स के पेशेंट को फाइबरस फूड ज्यादा खाना चाहिए, सलाद वगैरह बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए, दलिया वगैरह जो बोलते हैं वो ज्यादा यूज करवाना चाहिए। समझ में आ रहा है? पानी खूब पिलाना पड़ेगा और तीखा कोई भी खाना पीना है तो तीखा उसको नहीं खाना होता है। अगर ये कुछ बेसिक एडवाइस जो बेसिक प्रिकॉशन है जो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है जो बताया गया, अगर आप फॉलो करते हैं और पाइलोडॉक देते हैं तो 3-4 महीने के अंदर भयंकर से भयंकर जो पाइल्स की समस्या होती है वो बिल्कुल सही हो जाता है। दे सकते हैं? अगर कई लोग बोलते हैं कि सर पाइलोडॉक के साथ और क्या दिया जा सकता है, तो पाइलोडॉक के साथ आप लीवोडॉक दे सकते हैं रिजल्ट को इनहांस करने के लिए। क्या दे सकते हैं? लीवोडॉक दे सकते हैं रिजल्ट को इनहांस करने के लिए, नहीं तो पाइलोडॉक एक खुद कंप्लीट पैकेज है, पाइल से होने वाली कोई भी समस्या के लिए पाइलोडॉक एक कंप्लीट पैकेज है। नेक्स्ट कौन सा है? डाइवोडॉक। नेक्स्ट है थायरोडॉक। थायरोडॉक आयुर्वेदिक इंडस्ट्री का एक गजब का चमत्कार है, क्योंकि थायराइड की दवा आज तक एलोपैथ में ही मिलती थी लेकिन SVPS ने थायरोडॉक बनाया जो थायराइड के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। थायराइड क्या है? थायराइड कोई बीमारी नहीं है, हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, और उसकी डिसऑर्डर से मतलब अगर उसकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाए और उसकी सिक्रीशन कम हो जाए तो थायराइड हो जाते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म इस केस को नाम दिया जाता है। खैर आपको इतना जानने की जरूरत नहीं, जब आप किसी से मिलेंगे तो सामने वाला खुद बता देता है कि मुझे थायराइड है, आपको उसके बीच में डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं। तो अगर किसी को थायराइड की केसेस थायराइड आती है तो लोग जनरली मार्केट में थायरोनॉर्म थायरोक्सिन जैसे बहुत सारे मेडिसिन जो होते हैं वो मार्केट से प्रिस्क्राइब करके लोग ले रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, मार्केट की ली हुई थायरोनॉर्म या थायरोक्सिन मेडिसिन आज के डेट में जितने भी लोग यूज कर रहे हैं दे आर डेंजरस फॉर हार्ट, हार्ट के लिए बहुत डेंजरस है। थायरोनॉर्म्स या थायरोक्सिन से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन एड्रेनलिन ग्लैंड के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। आप दवा खा रहे हैं तब तक सही है, जिस दिन आप दवा खाना छोड़ेंगे आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, इसलिए डॉक्टर बोलता है परमानेंट लेते रहो। लेकिन अगर आप उस दवा को परमानेंट यूज कर देंगे तो 5 से 6 साल लगातार थायराइड की दवा यूज करने वाले लोगों को किडनी और लीवर की समस्या 100% हो जाती है। तो अब हालत क्या है, आगे जाए तो खाई और पीछे जाए तो कुआं, खाए तो भी मरे और ना खाए, ऐसे लोगों को आपको समझाना है कि थायरोडॉक इज द ओनली ऑप्शन फॉर थायराइड। थायरोडॉक जब आप किसी को यूज कराएंगे, थायरोडॉक यूज कराने से थायराइड से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है वो 100% रिजल्ट देता है। इसलिए भी रिजल्ट देता है क्योंकि थायरोडॉक में जितने भी इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं वो सारे इंग्रेडिएंट थायराइड से होने वाले सिम्टम्स के ऊपर वर्कआउट करता है। जैसे थायराइड में लोगों की मस्कुलर लिथिलनेस आ जाती है तो असुगंधा मस्कुलर स्ट्रेंथ प्रदान करने का काम करता है। थायराइड में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तो सिनोथ मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करने का काम करता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए जितने भी थायराइड केसेस आपको देखते हुए मिलते हैं, आप लोगों से बिल्कुल
मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि उनकी थायराइड के लिए आप थायरोडॉग जरूर से जरूर रिकमेंड करें, क्योंकि थायरोडॉग यूज करने वाले हो सकता है जिंदगी भर भी अगर किसी को थायरोडॉग यूज करना पड़े, कम से कम मरेगा तो नहीं, यस या नो? कम से कम वो मरेगा नहीं, क्योंकि एक बार लीवर और किडनी डैमेज हो गया तो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है ना। थायरोडॉग इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, 30 ml दो टाइम लेना है, कैसे लेना है, 30 ml दो टाइम खाली पेट, सुबह शाम 30 ml लेना है खाली पेट। एक नोट करके आप लिखिएगा कि अगर आप किसी को थायरोडॉग देते हैं तो इम्यूनोडॉग जरूर इस्तेमाल करवाएं। क्या इस्तेमाल करवाना है, इम्यूनोडॉग जरूर दें, इम्यूनोडॉग दोपहर में देना है, थायरोडॉग सुबह शाम खाली पेट और इम्यूनोडॉग दोपहर में खाने के बाद देना। थायराइड की कोई भी केसेस में अगर वीकनेस आती है या आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ऐड करना चाहते हैं तो 3 सप्लीमेंट मैंने यहां पे लिखा है, इम्यूनोडॉग, बीटाडॉग और पंच तुलसी। पंच तुलसी हार्मोनल बैलेंस को सही करता है और जो बीटाडॉग है वो पूरा विटामिन होता है, क्योंकि थायराइड की जितने भी पेशेंट होते हैं अगर आप उनको डाइट चार्ट बताने के लिए स्टार्टिंग करेंगे तो डाइट चार्ट में इट इज वेरी नेसेसरी टू यूज द मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन यूज करने की एडवाइस दी जाती है और हमारा जो बीटा डॉग है, बीटा डॉग भरपूर मल्टीविटामिन टेबलेट माना जाता है जिसमें 12 तरह की जो विटामिन होती है सारी विटामिन पाई जाती है। तो जब भी आप थायराइड वाले किसी को दे तो एज ए फूड सप्लीमेंट इम्यूनोडॉग और पंच तुलसी पानी में मिला के पीने के लिए और बीटा डॉग दो टाइम एक एक गोली जरूर खाने की एडवाइस करें, रिजल्ट आपकी बढ़ जाएगी। कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रोडक्ट है हमारा ऑर्थोडॉग। घुटने से रिलेटेड अगर किसी को समस्या है, किसी को शिकायत है, तो वैसे केस में हम लोग क्या यूज कराते हैं, ऑर्थोडॉग। किसी को अगर घुटने में दर्द है हम लोग क्या इस्तेमाल कराएंगे, ऑर्थोडॉग। हड्डी से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है उसमें क्या इस्तेमाल कराएंगे, ऑर्थोडॉग। हड्डी से रिलेटेड समस्या है उसमें क्या इस्तेमाल कराते हैं, ऑर्थोडॉग। ये समस्याएं आती क्यों है, ये टोटली समस्या हमारे खाने पीने में होने वाली गड़बड़ियों की वजह से आ रही है। किससे आती है, खाने पीने में जो डिसऑर्डर होते हैं उसकी वजह से आती है। या तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन बढ़ जाती है या यूरिक एसिड की डिपोजिशन बढ़ जाती है, और महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की डिपोजिशन बढ़ जाने की वजह से भी घुटने में दर्द होती है। हमारे जहां भी जोड़ है हर जगह ऊपर वाले ने ग्रीस डाल के रखा है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, लेकिन हम बात करें वो ग्रीसी, जैसे ग्रीस होता है तो ग्रीस रहने के बाद कोई भी हड्डी ऊपर नीचे करने में दर्द नहीं होता है, वो आराम से, जैसे बैरिंग में ग्रीस कैसे लगा देते हैं तो घूमता है तो आवाज नहीं आती, अब वो ग्रीस कमजोर हो जाए तो उसमें आवाज आने लगता है, होता नहीं होता है। और ये अगर आपको देखना है ना तो आप लोग अपने कोई पुरानी जो खटारा साइकिल हो उसमें ट्राई करना, कई बार आप देखते हो कि साइकिल को जब पेंडल मारते हैं तो एक बार ऐसे मारे तो चियो इधर से मारे तो ऐसे करता है, एक अजीब सी आवाज आती है ना, वो ग्रीस की कमजोरी के कारण आती है। तो हमारी बॉडी में भी जब ये ग्रीस सूख जाता है तो हम जब शरीर को हिलाते डुलाते हैं, पैर को मोड़ते हैं, इसको फोल्ड करते हैं, तो दो हड्डी जो होता है दोनों हड्डी में घर्षण होती है, रगड़न होती है और उसकी वजह से भयंकर दर्द होता है। और रियल में जो घुटने की जो दर्द होती है या हड्डियों की जो दर्द होती है बहुत ही पेनफुल दर्द होता है, ये बहुत ही पेनफुल दर्द होता है। कई जगहों पर मैं ऐसा देख रहा हूँ, जैसे मैं अभी बिहार गया हुआ था मैंने वहां देखा, अभी मैं मेरठ साइड में किसी एक शहर में गया था मैंने वहां पे देखा, घुटने की दर्द शुरुआत होने के बहुत बड़ा रीजन आपके एरिया में होने वाले पानी है। पानी, आप लोग घर में फिल्टर जो नहीं लगाते हैं उसकी वजह से जो पानी होता है, पानी में बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं, बहुत सारे खास करके आर्सेनिक वगैरह का अगर बहुत ज्यादा आपके पानी में मिश्रण होगा तो ये घुटने का दर्द बहुत जल्दी आ जाता है, समझ में आ रहा है। तो किसी को अगर हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, घुटने का कोई दर्द हो, अर्थराइटिस की समस्या हो, है ना, कमर में दर्द रहता हो, कोई बोले गैस के कारण कमर में दर्द होता है, तो ऐसे केसेस में हमें क्या रिकमेंड करना चाहिए, ऑर्थोडॉग। क्या रिकमेंड कर सकते हैं, ऑर्थोडॉग रिकमेंड कर सकते हैं, ऑर्थोडॉग उनको यूज करना चाहिए। ऐसे केसेस में ऑर्थोडॉग यूज करने से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ऑर्थोडॉग इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, खाने के 1 घंटे बाद 20 ml दो टाइम। इस्तेमाल कैसे करना है, तो 60 ml गुनगुना पानी ले लेना और उसमें 20 ml ऑर्थोडॉग डालना है। 60 ml गुनगुना पानी में 20 ml ऑर्थोडॉग मिला के और चाय जैसे सिप करते हुए पीना है। कैसे पीना है, चाय जैसे सिप करते हुए, जैसे चाय आप सिप करके पीते हैं वैसे चाय जैसे सिप करते हुए आपको पीना है ऑर्थोडॉग।
ले सकते हैं। लेकिन ऑर्थोडॉक के साथ दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको अगर आप अटैच करके देते हैं तो रिजल्ट की जो चांसेस वो बहुत बढ़ जाती है। पहला है थंडर ब्लास्ट और दूसरा है नोनी जूस। ऑर्थोडॉक में अगर आप थंडर ब्लास्ट और नोनी किसी एक के साथ अगर आप देते हैं तो इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। हमेशा याद रखिए, जो घुटने में दर्द या आर्थराइटिस के जो पेशेंट आपके सामने हैं या किसी कमर में दर्द वगैरह वाले या किसी का हड्डी टेढ़ा हो गया, ऐसे जितने भी केसेस हैं इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम स्टिफनेस के चलते, बहुत हार्ड दर्द होता है उसके चलते बहुत ज्यादा पेशेंट परेशान रहते हैं, लोग ज्यादा परेशान होते हैं। ऐसे में डाइट या आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, जो आप आयुर्वेदिक जो उनको आप सप्लीमेंट दे रहे हैं उसमें पावर वाले सप्लीमेंट देने जरूरी होते हैं, इसलिए थंडर ब्लास्ट देते हैं। थंडर ब्लास्ट क्या करता है, इंटरनल एनर्जी और स्टेमिना उसमें शिलाजीत डाला हुआ है जो कि घुटने के दर्द के लिए रामबाण माना जाता है। नोनी भी एक पावर देता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे एसिड की डिपोजिशन वो हटाने का काम करता है। आप मल्टी विटामिन बीटा डॉग भी दे सकते हैं, ओमेगा 3 कैप्सूल जरूर देना आज के बाद। ऑर्थोडॉक के साथ ओमेगा 3 कैप्सूल जरूर देना क्योंकि 60% रीजन लोगों की फैटी एसिड की डिपोजिशन हट जाने की वजह से, क्योंकि ओमेगा 3 एक पार्ट होता है साइनेबल फ्लूड का और उसके वजह से बहुत सारे लोग ऐसे के, कई लोगों को आपने देखा होगा ऑर्थोडॉक के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया 2-3 महीना के बाद। तो अभी तक हम उनको ये बता देते थे कि भैया अब नहीं हो सकता, कोई नहीं, आप दूसरा कुछ कर लो। अभी आप उन लोगों की रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं ओमेगा 3 कैप्सूल के थ्रू, क्योंकि ओमेगा 3 कैप्सूल डायरेक्टली हर जोड़ों के ऊपर वर्कआउट करता है जहां से जो साइनिबल फ्लूइड की फॉर्मेशन होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो आपको एज ए सप्लीमेंट दोनों टाइम एक एक कैप्सूल की एडवाइस आप जरूर करें ओमेगा 3 कैप्सूल, समझ में आ गया, इससे रिजल्ट आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और बहुत ज्यादा अगर किसी को दर्द होता है जो बिल्कुल असहनीय दर्द है, जो अभी आपके ऑर्थोडॉक लेके कुछ दिन वेट नहीं कर सकता है, तो नॉर्मल दर्द को सही करने के लिए अपने पास 2 प्रोडक्ट हैं, ज्वाइंट क्रिएटर वायल और ज्वाइंट क्रिएटर जेल। तो आपको बहुत ज्यादा अगर दर्द हो तो ज्वाइंट क्रिएटर वायल और ज्वाइंट क्रिएटर जेल देना है। ज्वाइंट क्रिएटर वायल हाथ में लेके जहां घुटना है वहां पे लगाना है, जोर जोर से मालिश नहीं करना है, वैसी जेल जो है वो लगाना है, इसकी मालिश नहीं करनी होती। क्लियर समझ में आ रहा है, कहीं भी दर्द हो, माथा में दर्द हो, ज्वाइंट क्रिएटर वायल आप यूज करवा दीजिए, घुटने में दर्द हो ज्वाइंट क्रिएटर वायल लगा दीजिए, मस्कुलर पेन हो वहां ज्वाइंट क्रिएटर वायल, सर्दी खांसी जुकाम बच्चे को हो, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो ज्वाइंट क्रिएटर वायल सिर में लगा दीजिए, नाकों में लगा दीजिए और सीने पे अगर मालिश कर देते हैं छोटे छोटे बच्चे तक को तो रात भर में रिलीफ मिल जाता है सर्दी खांसी जुकाम का, समझ में आ गया। तलवे में मालिश कर देते हैं अगर किसी को फीवर वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तलवे वगैरह में अगर ज्वाइंट क्रिएटर वायल से अगर आप मालिश कर देते हैं तो उसमें रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑर्थोडॉक के साथ जब भी आप किसी को ऑर्थोडॉक रिकमेंड करते हैं, ऑर्थोडॉक अगर आप देते हैं तो ऑर्थोडॉक के साथ कुछ प्रिकॉशन है जो आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइट बहुत काम करता है इस केस में। कई लोग की केस ये आ रही है कि सर मैंने 4 महीना यूज किया रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आप 3 महीना किसी को इस्तेमाल कराए रिजल्ट नहीं आएगा, 4th महीने में रिजल्ट आ जाता है, ऐसा होगा। तो लोग बोले कि परेशान ना हो, कम से कम 5-6 महीना आप इस्तेमाल करके देखिए, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं घुटने के दर्द होने के, आर्थराइटिस होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, एकलौता कोई भी सिंगल रीजन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके खाने पीने में अगर बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल्स की कमी है 100% आपको घुटने का दर्द हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि सर हम तो खूब दूध पीते हैं, तो केवल दूध पीने से घुटने का दर्द सही हो जाए ये जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है। कुछ जो आपको डाइट चार्ट जो फॉलो करने के लिए उनको बताना होता है ये जरूर आप ध्यान में रखिए कि सामने वाला बैलेंस डाइट इस्तेमाल जरूर करे, नहीं करता है तो अपना 2-3 प्रोडक्ट उसको जरूर दीजिए, जैसे मोरिंगा हो गया आप जरूर दें, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। जो मोरी डॉग हमारे पास है आप एज ए सप्लीमेंट्री उसको खाने के लिए दे सकते हैं, बीटा डॉग दे सकते हैं जिससे विटामिन मिलता है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनसे रिजल्ट आपकी बढ़ जाती है। खट्टा खाने के लिए आप मना कर दीजिए, खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है ना। आप सप्लीमेंट में ओमेगा 3 कैप्सूल की मैंने अभी बात बोली है वो आप दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और ऑर्थोडॉक का कोई भी है तो उसको आप बोलिए कि अपनी सुबह में मॉर्निंग वॉक जरूर करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि ये शरीर रुकेगा तो और दर्द बढ़ेगा। क्लियर है, पानी खूब पीना है, इसकी एडवाइस आपको जरूर देना। लेना कैसे है, खाने के घंटे बाद 20 ml 60 ml गुनगुना पानी में मिला के चाय जैसे सिप करते हुए पीना।
अगर थंडर ब्लास्ट देते हैं तो खाने के बाद 20 ml दूध के साथ। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ऑर्थोडॉक वाले को मिल्क प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए, ये भ्रांतियां हैं। मिल्क प्रोडक्ट जितना हो सके आप यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप मिल्क प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे दूध मट्ठा छाछ ये सब जो होता है, अगर आप मिल्क प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, कल के डेट में ऑस्टियोपोरोसिस की ज्यादा चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर किसी को घुटने में दर्द है तो उसको मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करवाएं, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है ओवियोडॉक। क्या काम करता है? मोटापे को, चर्बी को घटाने का काम करता है, चर्बी को हटाने का काम करता है। और अभी ओवियोडॉक का 3 भाई भी आया हुआ है, पता होगा आपको, है ना? तो हम ओवियोडॉक के 3 भाई को साथ में भी बात करते हुए चलेंगे, जो सिमिलर ओवियोडॉक का काम करता है, लेकिन डिफरेंस है, समझना। किसी को अगर बहुत ज्यादा हैवी फैट हो, पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा हैवी फैट हो, और वो फैट को कम करना चाहता है, मोटापा ओबेसिटी को कम करना चाहता है, तो हम उसको ये ओवियोडॉक देते हैं। ओवियोडॉक एग्जैक्टली फैट 2 तरीके से कम होता है, या तो फैट को जला दीजिए या तो फैट को गला देते हैं। तो फैट बर्नर जो लोग यूज करते हैं, जलाने का काम करते हैं, तो चर्बी तो कम हो जाता है लेकिन साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा जनरेट करता है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो फैट को जलाने का काम नहीं करता, ये क्या काम करता है, फैट को गलाने का काम करता है। अब आप इसमें देखिए, इसमें गूगल एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, गार्लिक एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, टी लीफ डाला हुआ है, ये फैट को गलाने का काम करता है। मतलब फैट को, जो फैटी एसिड चेन है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच करके पेशाब और मल के रास्ते बाहर निकालने का काम करता है। तो जो चर्बी है वो धीरे धीरे आराम से बाहर निकलेगी, पानी के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से बहुत आराम से बाहर निकलती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत आराम से निकलती है इसमें। तो किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट आ सकता है, किसी को लेट से रिजल्ट आता है। कोई पूछेगा आपसे कि आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट की क्या रेशियो है, तो रिजल्ट की रेशियो हमारी क्या है, शुरुआत के 45 दिन में 2 से 3 kg कम करता है, और उसके बाद 30-30 दिन के अंदर 1.5 से 2 kg कम करता है। यानी एकाएक मत बोल देना कि हम एकदम बिल्कुल अदनाम सामी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर करवा देंगे, ऐसे नहीं बता देना है ना, वैसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, वो सर्जरी वाली चीजें होती है, वो अलग होती है। हम आराम आराम से चर्बी को, ये प्रोडक्ट आराम आराम से हटाता है, लेकिन इसके रिजल्ट को बढ़ा सकता है। अगर हम साथ में क्या दें, वीकनेस है, थंडर ब्लास्ट दीजिए, एलोवेरा दीजिए, क्लोरोडॉग आप साथ में दे सकते हैं, स्लिम डॉग और फिट डॉग, ये 2 चर्बी को हटाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कौन कौन सा प्रोडक्ट है? फिट डॉग और स्लिम डॉग, ये चर्बी हटाने के लिए बहुत अच्छा। तो आप फिट डॉग और स्लिम डॉग, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डाइट चार्ट इतनी स्ट्रिक्ट बता देते हैं कि वीकनेस टाइप से फील करने लगता है सामने वाला। आप बोलोगे कि भाई मुर्गा मटन सब छोड़ दे और उसके बाद केवल घास फूस खा, तो घास फूस खाने से रियल में आ जाती है कमजोरी। ये मैंने भी एहसास किया है, मुझे एक बार लगा कि भाई मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, अभी थोड़ा दुबले पतले हुए नहीं हुए, तो बीच में मैं थोड़ा बड़ा मोटा हो गया था, तो मुझे लगा कि भाई अच्छा मेरी वजन हो गई 85 किलो बीच में, अभी 1.5 महीना पहले 85 किलो हो गई। मैं जैसे वेट मशीन में गया तो मैं देखा तो मुझे बिल्कुल बेहोशी लगने लगी, 85 किलो का शरीर लेकर कहाँ जाएंगे, पूरा पेट वेट बहुत ज्यादा बाहर आ गया, अभी थोड़ा सा लगता है कंट्रोल है ना। तो मैंने बोला कि अब डाइट चार्ट से निकाल लगाते हैं, ओवियोडॉक काम करेगा, क्योंकि ओवियोडॉक लेने से हर जगह की चर्बी हटा देती है। तो पेट की चर्बी हटाने के लिए आपके पास एक स्लिम डॉग दिया हुआ है और फिट डॉग दिया हुआ है। केवल पेट अगर कम करना है किसी को तो आप स्लिम डॉग यूज कर सकते हैं आदित्य सर, है ना, या फिट डॉग आप यूज कर सकते हैं, ये बहुत आसान प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? तो हमने अपना डाइट चार्ट बहुत कंट्रोल कर दिया, मैं सुबह केवल घास फूस बॉयल सब्जी खाना शुरू किया और रात को बॉयल सब्जी खाना शुरू किए। अब 2-3 दिन तक तो यार झेल गए, तीसरे दिन लगे कि अब गिर जाएंगे, काम ही ना हो। तो एग्जैक्टली हमारे बॉडी को डेली एक कैलोरी चाहिए होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह यूज करने से मिलता है। तो आप बिल्कुल अगर फैट इनटेक नहीं करेंगे ना बॉडी में, तब भी आपको वीकनेस आ जाती है। तो कुछ ना कुछ डाइट अच्छा देना जरूरी है। तो जो आपका स्लिम डॉग और फिट डॉग है, इसमें प्रोटीन विटामिन्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसको देने से जो वीकनेस वाले फैक्टर्स आ जाते हैं वो वीकनेस वाले फैक्टर्स नहीं आएंगे। या भूख बहुत ज्यादा जो बढ़ जाता है ना, वो भूख जो बढ़ने वाली जो केसेस है, या भूख कंट्रोल नहीं होता है, तो हंगर कंट्रोल वाले केसेस के लिए आप फिट डॉग और
साथ में स्लिम डॉग दोनों दे सकते हैं, बाकी एलोवेरा नॉर्मल आपको यूज करने के लिए देना चाहिए, एलोवेरा से बहुत ज्यादा चमक भी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे होता है वो होता है उनका डाइट चार्ट। क्या होता है? डाइट चार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप चर्बी बाहर निकाल रहे हो तो दूसरे तरफ से चर्बी आने के आउटलेट को, इनलेट को बंद करना पड़ेगा। अगर कोई बोले कि मैं मटन दबा के खाऊंगा, चिकन दबा के खाऊंगा, और भैया आपका ओवियोडोग ले रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो जिंदगी में कभी नहीं आ सकता है। बाहर से जो सोर्स आ रही है उसको रोकना पड़ेगा। सुबह उठ के 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है, उसी समय आप ओवियोडोग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज से पहले ओवियोडोग ले सकते हैं या एक्सरसाइज से बाद ओवियोडोग ले सकते हैं। खा के एक्सरसाइज नहीं करना है अगर आप चर्बी कम करना चाहते हैं तो। मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज खा के किया जाता है। मसल्स बिल्डिंग में एक्सरसाइज कैसे किया जाता है? खा के किया जाता है। लेकिन चर्बी घटाने में एक्सरसाइज खाली पेट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो गुनगुना पानी के बाद ये ओवियोडोग आप ले सकते हैं। ओवियोडोग आप उसको दे दीजिए डेली, कम से कम एक्सरसाइज करे, थोड़ा सा पसीना बहाए, क्योंकि केवल ओवियोडोग चर्बी निकाल देगा ये जरूरी नहीं है। थोड़ा सा एक्सरसाइज करे, टहले, पसीना बहाए, कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज डेली करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। हीटिंग होना चाहिए बॉडी के अंदर, तब कुछ काम होने वाला है। समझ में आ रहा है? और डाइट में बिल्कुल उसको भूखे नहीं रहना है, ठूस ठूस के खाना नहीं खाना है, और ज्यादा बार खाना नहीं खाना, खाना छोड़ना भी नहीं है। आप 3 टाइम खाना रेगुलर खाइए, अगर आप किसी को ओवियोडोग की डाइट चार्ट बता रहे हैं तो। चावल वगैरह कम इस्तेमाल कीजिए, दाल वगैरह, सब्जी, सलाद, फाइबरस आइटम ज्यादा यूज करवाइए, आप देखेंगे कि 100%। और बाकी साथ में मैंने बता दिया आपको स्लिम डॉग दे देना है और फिट डॉग देना है, एलोवेरा दे सकते हैं, तो जो चर्बी है वो बहुत आराम से कम हो जाएगा और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिट डॉग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके जो अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है और चर्बी है उसको एकदम से बिल्कुल बाहर निकाल देता है। तो हम लोग फिट डॉग खास करके वैसे लोगों को भी दे सकते हैं जिनको आप अभी तक केवल कार्डियो डॉग दिया करते थे। समझ में आ रहा है? लेने का तरीका क्या है? खाली पेट 30 ml लेना है, पानी खूब पीना है। पानी पीने का मैंने कहीं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है, हाँ ये सबसे नीचे है, बॉडी वेट डिवाइडेड बाई 20, जितना वजन आता है उतना आपको पानी डेली पिला दो। पानी पिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा तो उसकी जो चर्बी है वो आराम आराम से बाहर निकलेगी। क्लियर है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगला प्रोडक्ट है हमारा थंडर ग्लास, जो जो पी के आए हैं वो लोग ताली बजा रहे हैं। थंडर ब्लास्ट, बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट को सेक्सुअल इनहांसमेंट प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थंडर ब्लास्ट आपके नर्वस सिस्टम को प्यूरिफाई करता है। सबसे पहला काम क्या है इसका? नर्वस सिस्टम को प्यूरिफाई करने का काम करता है, इंटरनल एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ाने का काम करता है। क्या काम करता है? इंटरनल एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ाने का काम करता है, नर्वस सिस्टम को सही करता है, इंटरनल एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ाने का काम करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन सिस्टम का काम करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इनहांस करने का काम करता है। क्या काम करता है? आपकी बॉडी में जो गंदगियां हैं उसको भी ये निकालने का काम करता है, मतलब खून साफ करने का भी हम बोल सकते हैं कि थंडर ब्लास्ट बहुत अच्छा काम करता है। समझ में आ रहा है? तो किस किस केस में थंडर ब्लास्ट को हम लोग यूज कराते आए हैं? किसी को माइग्रेन की समस्या है, किसी को पैरालिसिस की समस्या हो गई, किसी कैसे अगर हाथ कांपता है वैसे केस में हम लोग दे सकते हैं, बॉडी वीकनेस अगर बहुत ज्यादा किसी को है वैसे केस में भी हम लोग थंडर ब्लास्ट इस्तेमाल कराते हैं। समझ में आ रहा है? और किसी की अगर सेक्सुअल स्टेमिना वीक है, लेडीज या जेंट्स, दोनों केस में थंडर ब्लास्ट देना है। कई लोग थंडर ब्लास्ट केवल जेंट्स के लिए बता देते हैं और लेडीज के लिए गायनोडो बता देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थंडर ब्लास्ट लेडीज और जेंट्स कोई भी यूज कर सकता है। समझ में आ रहा है? ब्रेन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, जैसे किसी को साटिका हो गया तो साटिका के केस में 100% रिजल्ट तो देगा वो कौन देगा? थंडर ब्लास्ट रिजल्ट देने वाला है। किसी को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट कौन देगा? थंडर ब्लास्ट देगा। तो अभी बच्चे ना होने के बहुत सारे रिजल्ट भी हमारे पास थंडर ब्लास्ट से निकल के आए हुए हैं। नॉर्मली थंडर ब्लास्ट को आप लोग इंटरनल एनर्जी और स्टेमिना बूस्टर प्रोडक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि अगर आप इंटरनल एनर्जी स्टेमिना बूस्टर के रूप में अगर आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं दूध के साथ लेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छी बढ़ जाती है। लेना कैसे है थंडर ब्लास्ट को? खाने के घंटे बाद 20 ml 2 टाइम इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? खाने के घंटे बाद
20 ml दो टाइम और थंडर ब्लास्ट के साथ दूध लेना जरूरी है। कुछ प्रिकॉशन नोट करके आपको नोट करना चाहिए, अगर किसी को थंडर ब्लास्ट यूज करने के बाद डिसेंट्री टाइप से होता है, जैसे कई लोगों के ऐसे रिपोर्ट आता है कि डिसेंट्री हो रहा है, तो थंडर ब्लास्ट पानी में थोड़ा गुनगुना पानी में मिला के पिलाइए, उसकी डोजेस कम कर दिए, क्योंकि एक हैवी प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? कई लोग बोलते हैं कि सर लैट्रिन 2 दिन से पतला ही हो रहा है, तो वो आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकाल रहा है, इसमें परेशान होने की जरूरत। कई लोगों को थंडर ब्लास्ट इस्तेमाल करने के बाद शरीर में खुजली होने लगती है, आ रहा है ना ऐसा केस? तो अगर थंडर ब्लास्ट इस्तेमाल करने के बाद शरीर में खुजली हो रही है, इसका मतलब उस इंसान के शरीर में बहुत ज्यादा गंदगी है। ये एक अच्छा साइन है, अगर ऐसा किसी को हो रहा है, बोलो कि पानी खूब पियो, धीरे धीरे वो गंदगी जैसे पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी, वो खुजली होना खुद बंद हो जाएगा। अच्छा, कई लोग ऐसे भी बोले कि सर मतलब अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि क्या कर दें। ऐसे एक बंदा फोन किया, बोला सर थंडर ब्लास्ट लिया हूं सर, अंदर से ऐसा लग रहा है कि सर मतलब क्या कर दें। तो कुछ नहीं करना है, फोल्डर उठा के प्लान देना है। समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं करना है। वो इसलिए लगता है क्योंकि आपकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी बूस्टअप हो जाती है, बढ़ जाती है। आप एक्सरसाइज कीजिए, अगर बहुत ज्यादा अंदर से हड़बड़ाहट लग रही है तो क्या करना है, एक्सरसाइज कीजिए, आप रनिंग कीजिए, आपकी ये जो समस्या है ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रोडक्ट यूज करना कभी मत छोड़िए। पैरालिसिस के केस में अगर आप किसी को थंडर ब्लास्ट यूज करवाते हैं तो उसके साथ कार्डियो डॉग जरूर इस्तेमाल कर रही है। समझ आ रहा है? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पैरालिसिस अगर किसी को है उस केस में अगर आप थंडर ब्लास्ट इस्तेमाल कराते हैं तो कार्डियो डॉग जरूर दें, क्योंकि पैरालिसिस जो होता है बहुत ज्यादा बीपी इंक्रीज हो जाने की वजह से होता है, इसलिए कार्डियो डॉग जरूर देना है। और अभी अपने पास ओमेगा कैप्सूल आया हुआ है, ओमेगा कैप्सूल आप जरूर इस्तेमाल करवाएं, उससे रिजल्ट आपकी बिल्कुल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। किसी को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं उसके लिए आज तक हम लोग मेल को इम्यूनोडॉग और थंडर ब्लास्ट देते थे, यस या नो? और फीमेल को इम्यूनोडॉग, गाइनोडॉग और थंडर ब्लास्ट देते थे, आया ना? बच्चे न होना खास करके मेल के केस में बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी के कारण की वजह से होता है। जैसे बहुत ज्यादा अगर कोई शराब पीता है तो उसकी जो स्पर्म काउंट है वो खत्म हो जाती है, उसकी सेक्सुअल स्टेमिना बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, समझ में आ रहा है? और जो उसके स्पर्म की जो लिविंग स्टेटस है, मोर्टिलिटी है, वो डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से इम्पोटेंसी, बच्चे न होने का केस मैक्सिमम पाया जाता है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सर मेरे घर में तो जो हस्बैंड है वो पीता नहीं है, सिगरेट दारू कुछ भी नहीं पीता, फिर इम्पोटेंसी कैसे हो गई? तो वो इम्पोटेंसी आपके घर में यूज होने वाले पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से जो युक्त खाद्य पदार्थ हैं, पिज्जा मैगी चौमिन में जो मिले हुए टॉक्सिक मटेरियल है, उसकी वजह से हो रहा है। इसका बहुत आसान तरीका है कि आप अपनी बॉडी से किसी भी प्रकार की एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट यूज करके ऑक्सीडेशन करवा दो, मतलब एंटीऑक्सीडेंट यूज करके फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल दो, तो इम्पोटेंसी की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो थंडर ब्लास्ट एग्जैक्टली वो काम करता है। तो इसको और इनहांस करने के लिए आप मेल को इम्यूनोडॉग थंडर ब्लास्ट देते आए थे, आप मेल को एक ओमेगा कैप्सूल बढ़ा देना, एक बीटा डॉग बढ़ा देना और पंच तुलसी बढ़ा देना, तो रिजल्ट जो आ रही थी उसकी रिजल्ट के चांसेस और बढ़ जाएगी। क्लियर है? फीमेल में भी ये दो चीजें आप बढ़ा देना, ओमेगा कैप्सूल बढ़ा देना और बीटा डॉग बढ़ा देना, रिजल्ट बढ़ जाएगी। अभी तक हम लोग प्रेग्नेंट वीमेंस को कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे पाते थे, यस या नो? लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं, अभी आने वाले आगे हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जो प्रेगनेंसी वीमेंस को अगर आप दे देते हैं, खिलाते हैं, तो क्या होगा अभी स्लाइड में देखेंगे। क्लियर है? थंडर ब्लास्ट क्लियर हो गया? Yes. बहुत अच्छा, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। नेक्स्ट, अगला प्रोडक्ट है गाइनोडॉग, इट इज द जनरल टॉनिक फॉर फीमेल्स। इंग्रेडिएंट मैंने नहीं दिया है, यहाँ पे नहीं लिखवाया है, क्योंकि इसमें 36 जड़ी बूटियां हैं, जो कि लिखना बड़ा मुश्किल है। मतलब फीमेल सिस्टम से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर होती है तो उसमें गाइनोडॉग बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर की समस्या हो रही हो, ओवेरियन सिस्ट की समस्या हो, ओवम सिस्ट की बच्चेदानी में गांठ होता है, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करके निकाल दो, जरूरत नहीं, आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कराइए। समझ में आ रहा है?
बच्चे नहीं हो रहे हैं वैसे केस में आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करा सकते हैं। गांठ में प्रॉब्लम है, पेट में बिना वजह की दर्द होता है, ल्यूकोरिया की शिकायत है, या नॉर्मली महिलाओं के लिए गायनोडॉग एक जनरल टॉनिक का काम करता है। क्या काम करता है? जनरल टॉनिक का काम करता है। तो नॉर्मली अगर आपके घर में कोई महिलाएं हैं तो आपको गायनोडॉग और बीटा डॉग दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जरूर से जरूर इस्तेमाल करवाते रहना चाहिए एज ए फूड सप्लीमेंट। जैसे आप सब्जी खिलाते हो, जैसे आप चावल खिलाते हो, वैसे ये दो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कराएंगे तो आपकी घर की महिलाएं कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगी। ये बहुत ज्यादा एनर्जी बूस्टर है ना। एक धारणा जो है मैं उसको आज ब्रेक कर देता हूं, ऐसा नहीं है कि कोई भी मेल अगर गायनोडॉग पी लेगा तो कुछ साइड इफेक्ट होने वाला है, है ना। यहाँ आपको पता नहीं है, कोई बोलेगा नहीं, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं जो घर में फेंका रहा है तो पी के बैठे हुए हैं, रिजल्ट ही आया हुआ है। ऐसे नो, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं डाले हुए हैं जो मेल को लॉस करे, लेकिन लेडीजों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। क्लियर है? क्लियर है? यानी कोई भी ऐसी समस्या अगर लेडीज से रिलेटेड आती है तो हम लोग क्या प्रीफर करते हैं? गायनोडॉग इस्तेमाल करते हैं। गायनोडॉग लेना कैसे है? खाने के घंटे बाद 20 ml। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला प्रोडक्ट है अपना कार्डियोडॉग। हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो कार्डियोडॉग इज द बूस्टर फॉर हार्ट। हार्ट के लिए एक बूस्टर का काम करता है, मतलब हार्ट के लिए एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का काम करता है। हार्ट मसल्स को मजबूत करने का काम करता है ये कार्डियोडॉग। नॉर्मल, बिना पेशेंट जरूरी है, नॉर्मल लोगों को भी ये कार्डियोडॉग इस्तेमाल करना चाहिए। किसी को बीपी की समस्या है वैसे में आप इस्तेमाल करवाइए। समझ में आ रहा है? मैंने बोला लकवा अगर किसी को मार दिया, पैरालिसिस हो रही है, उसमें कार्डियोडॉग जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अंदर जो भी कचड़े जमे हुए हैं, हार्ट में जो कचड़े जम जाते हैं तो हार्ट के कचड़े को भी साफ करने का काम करता है ये प्रोडक्ट। क्या काम करता है? कचड़े को साफ करने का काम करता है। बीपी बढ़ गया, क्या दे सकते हैं? कार्डियोडॉग। बीपी डाउन हो गया, क्या दे सकते हैं? कार्डियोडॉग इस्तेमाल करवा सकते हैं। हार्ट की ब्लॉकेज है, 99% तक की ब्लॉकेज को ये सही कर देने का काम करता है। इसमें अशोक छाल डाला हुआ है, अर्जुन छाल डाला हुआ है, दालचीनी डाला हुआ है, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है हार्ट के लिए। समझ में आ रहा है? लेना कैसे है? 20 ml दो टाइम। कैसे लेना है? 20 ml दो टाइम खाने के घंटे बाद। खाने के घंटे बाद 20 ml दो टाइम आप कार्डियोडॉग इस्तेमाल करवाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रोडक्ट है लिवोडॉग। लीवर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, भूख नहीं लगता है उसमें इस्तेमाल करवाइए। लीवर के लिए जनरल टॉनिक का काम करता है। आज हमारे शरीर के 3 सबसे बड़े ऑर्गन है, लीवर, हार्ट और किडनी। कौन कौन सा है? लीवर, हार्ट और किडनी। ये बहुत वाइटल ऑर्गन माना जाता है, बहुत सॉफ्ट ऑर्गन माना जाता है, और अगर ये तीनों में प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। अच्छा, मैक्सिमम समस्या जो आज बॉडी में आ रही है वो ये तीनों की वजह से हो रही है। अपना एक लंग्स भी है, लेकिन लंग्स का उतना बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन ये मेजर 3 चीज है जिसकी वजह से ज्यादा समस्या आ रही है, लीवर, हार्ट और किडनी। तो लीवर, हार्ट, किडनी की अगर प्रॉपर सर्विसिंग होते रह गई ना, तो वात, पीत और कफ, ये तीनों बाहर निकल जाता है, आपको जिंदगी में कभी भी हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या आएगी ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो अपने पास इस 3 के लिए 3 प्रोडक्ट है, लिवोडॉग, कार्डियोडॉग और स्टोनोडॉग। ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हर हेल्दी इंसान को साल में एक एक डोज तो जरूर लेना चाहिए। तो लिवोडॉग लीवर की पूरी सर्विसिंग करने का काम करता है, लीवर को एक न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है लिवोडॉग। समझ में आ रहा है? जॉन्डिस की किसी को समस्या हो गई, आप लिवोडॉग देंगे, रिजल्ट आएगा। हेपेटाइटिस बी की समस्या हो जाती है, उसमें आप लिवोडॉग। भूख किसी को ना लगता हो उस केस में क्या दे सकते हैं? लिवोडॉग। कोई मोटा होना चाहता है, आप लिवोडॉग के साथ मास डॉग दे दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलते हैं ना कई लोग कि भैया मुझे मोटा होने का कोई उपाय बताओ, तो मोटा होने के लिए लिवोडॉग के साथ मास डॉग आप दे दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, वो मोटा हो जाएगा। जितनी स्पीड में चाहिए मोटापा उतनी स्पीड में मोटापा आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे कोई भी लीवर से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो उसमें आपको क्या इस्तेमाल कराना है? लिवोडॉग। क्लियर है? लिवोडॉग लेना कैसे है? खाने के घंटे बाद 20 ml दो टाइम। कैसे लेना है? खाने के घंटे बाद 20 ml दो टाइम आपको लिवोडॉग इस्तेमाल कराना है, रिजल्ट बहुत अच्छी रहेगी। खास करके जब लीवर पेशेंट को आप लिवोडॉग एज ए सप्लीमेंट यूज करवाते हैं, तो सामने वाले को बिल्कुल स्ट्रिक्ट आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि आप
लिवोडॉक गुनगुना पानी के साथ इस्तेमाल करें, रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है? गुनगुना पानी के साथ इस्तेमाल कराने के बाद जो हमारे रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा रिजल्ट बढ़ जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला स्टोनोडॉक, स्टोन से रिलेटेड कोई भी शिकायत हो, किडनी से रिलेटेड, प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई भी शिकायत हो, कोई आपसे बोलता है किडनी में स्टोन हो गया, कोई बोलता है किडनी काम नहीं कर रहा है, किडनी में स्वेलिंग आ गया, तो सामने वाला केवल डायलिसिस पे नहीं होना चाहिए, बाकी किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या क्या देना है? स्टोनोडॉक। स्टोनोडॉक आपकी किडनी की जो फिल्टर होती है उसको साफ करने का काम करता है। समझ में आ रहा है? स्टोनोडॉक जो अंदर में गंदगी है, पथरी जमा है, उस स्टोन को बाहर निकालने का काम करता है। तो 9 mm से अगर कम की पथरी है तो हम लोग बाय फोर्स, बाय दावेदारी हम लोग सामने वाले को बोल सकते हैं और स्टोनोडॉक वहां से रिजल्ट बिल्कुल बहुत आसान से निकाल देता है। प्रोस्टेट से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है, पेशाब में जलन होता हो, पेशाब करने से बदबू आता हो, खास करके 50 साल से उम्र से ज्यादा जो मेल होते हैं, मेल में प्रोस्टेट की समस्या बहुत ज्यादा होती है, प्रोस्टेट कैंसर का नाम आपने सुना होगा लोग बोलते हैं, तो ऐसे केस में भी अगर आप स्टोनोडॉक इस्तेमाल कराते हैं तो जो रिजल्ट है वो बढ़ जाता है। इसको लेने का तरीका क्या है? सुबह शाम इसको खाली पेट भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं, 20 ml 2 times। 3 ऐसे प्रोडक्ट है जिसको आप खाने के पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने के बाद भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिवोडॉक, कार्डियोडॉक और स्टोनोडॉक, ये 3 ऐसे प्रोडक्ट है जिसको आप खाने से पहले और खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यूनोडॉक नहीं, इम्यूनोडॉक अगर गैस है तो ही आप उसको कोशिश कीजिए खाने से पहले इस्तेमाल करवाने का, और अगर गैस नहीं है तो खाने के बाद इस्तेमाल कराना है। लेकिन ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं, कार्डियोडॉक, लिवोडॉक और स्टोनोडॉक, जिनको आप खाने से पहले दे दीजिए या खाने के बाद दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला प्रोडक्ट हमारा फीवरडॉक। किसी को अगर फीवर हो जाता है, इसको आयुर्वेदिक पैरासिटामोल भी हम लोग बोलते हैं, किसी को अगर फीवर की समस्या हो जाती है, डेंगू हो गया, निमोनिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, नॉर्मल वायरल फीवर हो गया, तो आपको पैरासिटामोल खा के अपनी किडनी और लीवर डैमेज करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने लोगों को फीवरडॉक इस्तेमाल करवाइए। फीवरडॉक 3 से 4 डोज में खतरनाक से खतरनाक फीवर को खत्म कर देता है। अभी आपके पीलीभीत में मैं गया हुआ था, वहां किसी ने बताया कि फीवरडॉक ने 20,000-30,000 के किसी की ब्लड प्लेटलेट काउंट थी जो डेंगू की वजह से हुई थी, 4 डोज ने ब्लड प्लेट काउंट को बढ़ा दिया था, इतना जबरदस्त इसके रिस्पॉन्स आज मार्केट में आई है। 4 डोज मतलब 4 डोज इस्तेमाल करने के बाद ब्लड प्लेटलेट काउंट बढ़ गया। अभी आपके बहुत सारे एरिया में लोग फोन कर करके फीवरडॉक को लेके जाते हैं, और अभी जो डेंगू का जो प्रचलन चला है हर जगह, जिसको बोलो डेंगू डेंगू बाहर आ रहा है, डेंगू अगर किसी को हो रहा है तो आप लोग फीवरडॉक तो घर में पकड़ के रखा करो, किसी को बुखार आए डेंगू निकले ना निकले उससे पहले पिला दो। समझ में आ रहा है? बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स है, क्योंकि हो सकता है कि डेंगू अगर बहुत ज्यादा चढ़ गया, बहुत ज्यादा हावी हो गया, तो आपके प्रोडक्ट रिस्पॉन्स ना भी दे या जल्दी रिस्पॉन्स ना आए, उससे बढ़िया है कि अगर किसी को फीवर होता है आप लोग फीवरडॉक, पैरासिटामोल से कुछ नहीं होने वाला, फीवरडॉक इस्तेमाल करवाइए। समझ में आ रहा है? फीवरडॉक हमेशा खाने के बाद इस्तेमाल करवाना है, 30 ml 3 times, सुबह खाने के बाद, दोपहर में खाने के बाद, शाम को खाने के बाद, 3 times आप इस्तेमाल कराइए। गुनगुना पानी के साथ हमेशा इस्तेमाल कराइए, आपके रिजल्ट बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अगला हमारा हर्बल टी, ये चाय है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता डिटेल बताने की जरूरत है। ये पहला ऐसा चाय है जिसको पीने के बाद भूख बढ़ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है ये चाय आपके न्यूरल सिस्टम के लिए अच्छा है, ये चाय आपकी रीनल सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो इस चाय को नॉर्मली जो आप चाय इस्तेमाल करते हैं उस चाय को पीने से आपकी लीवर खराब होती है, भूख नहीं लगता है, लेकिन इस चाय को पीने से जस्ट उल्टा होगा, आपको भूख लगेगा, क्योंकि ये चाय नहीं है, ये आयुर्वेदिक सिरप हम बोल सकते हैं। आयुर्वेदिक पुराने समय में काढ़ा बनाते थे, तो ये काढ़ा टाइप का ही, क्योंकि केवल जड़ी बूटी को ही डाल के इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो ये चाय हम किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूँ जो SLPS में काम कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदिक चाय जो अपना चाय है ये चाय लोग इस्तेमाल नहीं करते। कितने ऐसे लोग हैं अपने पास? अभी 2 चाय है, एक तो फिट डॉग टी भी है और दूसरा एक है हर्बल टी। 2 चाय अपने पास है, फिट डॉग टी और हर्बल टी। तो मोटे वाले लोग चर्बी कम करना चाहते हैं या आप अपनी चर्बी को कंट्रोल रखना चाहते हैं तो फिट डॉग टी पीजिए,
बहुत टेस्ट है उसका भी, बहुत अच्छा टेस्ट है। हनी के साथ आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मल चाय अगर आप घर में इस्तेमाल कराते हैं तो आप हर्बल टी इस्तेमाल कीजिए। दूध में डाल के अगर इस चाय को आप बनाएंगे, इसकी टेस्ट लाजवाब होती है। हालांकि इसकी रिजल्ट कम हो जाती है, लेकिन टेस्ट लाजवाब होती है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि जो आप रेड लेबल टी और पता नहीं कौन कौन सा टी एडवर्टाइजमेंट आता है ना, आसाम की गलियों से चुन चुन के एक एक पत्तियों से सजाया गया प्यार इस चाय में डाल के पिलाया जाता है ना, तो कितना प्यार होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये आप पिलाएंगे तो ये जरूर रहेगा कि एसलीपीएस वेलनेस के फाइटर्स के मेहनत से भरा हुआ प्यार है इसमें, इससे रिजल्ट जरूर है। तो कई लोग मैं देख रहा हूं कि जो दूध न डालने की वजह से इस प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं आने की वजह से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग ना जीव के ज्यादा आतुर हो चुके हैं। खाना कितना फायदा करे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीव में अच्छा लगना चाहिए, है या ना? यस या नो? तो अभी अमेरिका में एक अच्छा शोध किया गया है जहां पे आर्टिफिशियल मीट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? क्योंकि वहां लोग बहुत ज्यादा मोटे हो रहे थे, तो फॉरेन में, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में तो ये पेट वाला चलता है, लेकिन मैं अभी 4-5 कंट्री घूम के आया हुआ हूँ। मैं मलेशिया गया, सिंगापुर गया, है ना, तो ये ऐसे जगह पे मैंने देखा कि वहां पे रूल है, सिंगापुर में रूलिंग बना हुआ कि अगर किसी का पेट आ गया तो आपकी जॉब गई, गवर्नमेंट की नियम है। और हर गवर्नमेंट ऑफिस में सिंगापुर में एक जिम क्लब है, मतलब दिन भर ड्यूटी करो, शाम को निकलने से पहले 2 घंटा वो लोग क्या कराते हैं, एक्सरसाइज करा के भेजते हैं, थका के बिल्कुल भेजते हैं। तो मतलब वहां काम चोरी करने का कोई चांस नहीं है। और रूलिंग है कि अगर किसी का पेट बाहर आया तो आपकी नौकरी गई, आपको छुट्टी कर दिया जाएगा, आपकी पगार रोक दी जाएगी, पेट कम करो फिर से ज्वाइन करो। लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है ना, अमेरिका में भी ऐसे रूल नहीं है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई जीव पे कंट्रोल कैसे करें, जबकि आप अमेरिका वगैरह की अगर डाइट देखेंगे, खाना पीना देखेंगे, तो वो लोग ज्यादातर ब्रेड, पाव भाजी और ऐसी चीजें जो मतलब टकाटक चले उसमें विश्वास करते हैं, बर्गर, पिज्जा, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ये सब ज्यादा उनकी घर में। आप फ्रिज खोलो तो आपको एकदम बिल्कुल रेड बुल, वाइन और मतलब जो खतरनाक खतरनाक चीजें यहाँ पे देखने के बाद लोग भाग जाते हैं या छुपा छुपा के पीते हैं, वो चीजें आपको वहां घर के फ्रिज में मिलेगी, है ना। और तरह तरह की स्टाइलिश बियर मिलते हैं। तो वहां के लोगों की फूड हैबिट ऐसी है कि वो लोग खाना ज्यादा टेस्ट पे ज्यादा जाते हैं, टेस्ट पे पसंद करते हैं। तो एक साइंटिस्ट था, उसने रिसर्च किया, बोला यार लोगों की टेस्ट को तो हम लोग सही नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो वहां पे बनाया गया आर्टिफिशियल मीट बनाया गया। क्या बनाया गया? आर्टिफिशियल मीट का निर्माण किया गया। आर्टिफिशियल मीट में क्या होता है कि जैसे वो आर्टिफिशियल मीट है जिसमें टेस्ट बिल्कुल मीट जैसा लगेगा, लेकिन वो मीट नहीं है। क्या है वो? काटोगे तो बिल्कुल ऐसे स्पंज, जैसे आप लीवर काट रहे हो किसी बकरे का तो ऐसा बिल्कुल ऐसा स्पंज ही लगेगा। खाओगे तो ऐसे लीवर की टेस्ट आएगी, लेकिन वो लीवर नहीं है। तो अभी ऐसा फैशन चला हुआ है कि लोग पार्टी में जाते हैं तो आर्टिफिशियल मीट लोगों को परोसा जाता है ना, तो ऐसे उठाते हैं, खाते हैं, 4 बार चबाने के बाद फिर उसको च्युइंगम जैसा थूक देना होता है, मतलब इनहेल नहीं करना होता है। तो जीभ का टेस्ट भी आएगा और नुकसान भी नहीं करेगा, है या ना? जीभ का टेस्ट भी आ गया और नुकसान, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, 0 कैलोरी, केवल टेस्ट लग रहा है। आपको लगे कि हम लीवर खा रहे हैं, कलेजा खा रहे हैं किसी का, लेकिन वो कलेजा एक्चुअल में होता नहीं है, उसको आर्टिफिशियल मीट बोला जाता है, है ना। अंडे भी जो है तो एकदम बिल्कुल आर्टिफिशियल अंडे हैं, मतलब खाओगे तो लगेगा अंडा खा रहे हैं, लेकिन उसको लास्ट में थूक देना होता है। समझ में आ रहा है? ये फॉरेन की डेवलपमेंट है। तो इंडिया वाले भाई पीछे कैसे रहे? तो हमने बनाया हर्बल टी। क्या बना? हर्बल टी। तो आप दूध में डाल के पी लो, कम से कम जो नुकसान आपको रेड लेवल टी ये सब कर रहा है उससे कम, उससे वो नुकसान नहीं करेगा। ये इसकी फायदे कम होगी लेकिन नुकसान नहीं करेगा। तो अगर आपको टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग दूध में मिला के पीजिए, और अगर टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप शहद डाल के इसको पीजिए, बहुत अच्छा लगता है। एक और चीज मैं बता रहा हूं, जब आप चाय बनाएंगे, ये चाय बनाएंगे तो अपना एक प्रोडक्ट है स्टीवा डॉग, अभी नया नया लॉन्च हुआ है, है ना। तो आप लोग चीनी के बदले स्टीवा डॉग डालिए। एक बूंद स्टीवा डॉग चीनी के 3000 गुना स्वीटनर है उसमें, आर्टिफिशियल। इसको बोलते हैं हम लोग आयुर्वेदिक स्वीटनर, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, ये आयुर्वेदिक स्वीटनर है। तो एक बूंद अगर आप डाल देंगे तो पूरा
एक जो सस्पेंस में अगर आप चाय एक लीटर के लगभग आधा लीटर के लगभग जो चाय बनाए तो सबको मीठा कर देगा। तो शहद अगर नहीं मिल रहा है तो आप स्टीविया डॉग ला के अपने घर में रखिए और इस चाय के साथ पीजिए, इसकी टेस्ट दुगना बढ़ा देगी वो प्रोडक्ट। क्लियर है? तो आपके घर में कोई भी मेहमान आता है उसको आप ये चाय इस्तेमाल कराइए, रिजल्ट आपके बढ़ जाएगी। देखो हम लोग बिजनेस ना निकालना नहीं जानते। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घर में आने वाले हर मेहमान को हर्बल टी पिलाते हैं, सच सच बता नहीं ईमानदारी से, है ना? और बाकी लोग तो फिर आपकी प्रोडक्ट बिकेगी कैसे? मेहमान को आप आदत डलवाओगे नहीं। अरे जियो ने क्या किया, पहले फ्री में सिम बांटा, फिर बोल दिया भैया तीन महीने में 300 का रिचार्ज, और अभी सुनने में आया कि उसने बोल दिया है कि आपको खाली जियो टू जियो फ्री बचा है भाई साहब, बाकी दूसरे में कॉल करेंगे तो 6 पैसा लगेगा, है या नहीं है? और आने वाले दिन में देखना वो जियो टू जियो भी 6 पैसे पे ले आने वाला है। मतलब इस हाथ से दिया और इस हाथ से, अच्छा बीच में उसने कोई बूस्टर पैक एक्टिवेट कराया था, जियो प्राइम मेंबरशिप कितने का था? 99, जिसका कोई मतलब नहीं था एक्चुअल में, लेकिन प्राइम प्राइम बोल के बहुत सारे लोग प्राइम खरीदे। अब सोचो 10 करोड़ अगर उसकी पॉपुलेशन होंगे, 10 करोड़ लोग अगर उसकी सिम को यूज कर रहे होंगे तो 10 करोड़ × 100 रुपए 1000 करोड़ का बिजनेस एक दिन में लिया, समझ में आ रहा है? ये होती है आदत डलवाना। आप किसी के यहां जाइए तो दुकानदार बोलता है कि भैया, या कोई फेरी वाला आपके यहां आता है कुछ बेचने, तो आप बोलोगे भैया नहीं लेना, बोला मत लीजिएगा देखिए ना एक बार, बोलता नहीं बोलता है ऐसे ना, बोले यार मुझे नहीं लेना, अरे मत लीजिएगा भाई साहब एक बार देखिए तो सही, और खोल के दिखाता है, दिखाने के बाद हमें कोई ना कोई पसंद आ जाता है, हम लोग खरीद लेते हैं, जबकि हम क्या बोल रहे थे नहीं लेना। किसी भी चीज को सेल्स की प्रोफेशन में अगर आपको बेचना होता है तो उसकी आदत डलवानी होती है। हमारे यूजर कौन है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कौन बनते हैं? हमारे अपने लोग ही तो बनते हैं। तो उनको आदत कब लगेगा? जब जबरदस्ती डेंटोडॉग इस्तेमाल करा दोगे, जब जबरदस्ती आप हर्बल टी इस्तेमाल करा दोगे। जबरदस्ती इम्यूनोडॉग इस्तेमाल नहीं करवा सकते, लेकिन हर्बल टी डेंटोडॉग पंच तुलसी तो इस्तेमाल करा सकते हो, नहीं करा सकते? यस या नो? ये जितने भी हाथ आज उठे हैं ना कि मेरे घर में हर्बल टी नहीं बनता, आज के बाद 2 चाय फिट डॉग और हर्बल टी अपने घर में मंगवा लो, और जब भी कोई मेहमान आए आप हर्बल टी और फिट डॉग टी ये दोनों आप बना बना के पिलाना शुरू कर दो, देखना अगली बार से आपके यहाँ डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, अगला है अपना किड डॉग, बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसने चमत्कारी रिजल्ट दिए, है ना? 7 साल का बच्चा भी आसाम में पैदायशी गूंगा बोलना शुरू कर दिया इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद। पैदायशी लंगट जो चल नहीं पाता था बच्चा, वो भी चलना शुरू कर दिया है। यस या नो? और छोटे छोटे बच्चों की आंखों में जो चश्मे लगे थे उस चश्मे को उतार दिया इस प्रोडक्ट ने, समझ में आ रहा है? तो गजब का प्रोडक्ट है ये किड डॉग। कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में बच्चे हैं, मतलब 15 साल से नीचे के बच्चे हैं, सबके घर में? अब हाथ केवल वो ऊपर रखना जो लोग अपने बच्चों को किड डॉग इस्तेमाल नहीं कराते, नहीं कराने वाले। अच्छा अब हाथ वो ऊपर करो जो सच बोल रहे हो, हाँ बाकी झूठ बोल रहे हो ना, मुझे पता है झूठ तो बोल ही रहे हो। बच्चों का हॉर्लिक्स है ये, क्या है ये? कोई दवा नहीं है किड डॉग बच्चों का हॉर्लिक्स है। क्या है ये? बच्चों का हॉर्लिक्स है। तो आप जैसे हॉर्लिक इस्तेमाल कराते हैं वैसे आप किड डॉग लोगों को इस्तेमाल कराना शुरू कीजिए, बच्चों को बहुत अच्छा ब्रेन इंक्रीज करता है, जो दिमाग की ताकत है उसको इंक्रीज करने का काम करता है बच्चों में, समझ आ रहा है? बच्चों की मस्कुलर पावर को बढ़ाने का काम करता है, आई पावर बढ़ाएगा, बच्चे आपके पढ़ने में तेज हो जाएंगे, हाइट बढ़ जाएगी, समझ आ रहा है? कोई बच्चा अगर हाइट नहीं बढ़ रहा है तो आप किड डॉग के साथ हाइट डॉग दे दीजिए, उसका जो हाइट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और मार्केट में इस प्रोडक्ट ने गजब के भी धमाल मचा के रखे हुए हैं। तो यार हम लोग बच्चों को अपाहिज होने का क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्यों इंतजार कर रहे हो कि मेरा बच्चा जब 5 साल बाद बोलने ना लगे तब हम लेके दौड़े डॉक्टर के पास? क्यों आप इंतजार कर रहे हो कि जब 2 साल बाद आपका बच्चा ना चलने लगे तब हम डॉक्टर के पास लेके दौड़े? उससे अच्छा है कि बच्चा अगर आपका 2 महीने का हो गया, बच्चा अगर दूध पीना शुरू कर दिया, अगर बच्चा कुछ खाना शुरू कर दिया, तो आप किड डॉग शुरुआत में 5-5 ml दो, थोड़ा बड़ा हो जाए 1 साल का हो जाए तो आप 10-10 ml देना शुरू कर दो, और थोड़ा बड़ा हो जाए तो 15-15 ml देना शुरू कर दो, लेकिन शुरुआत से, क्योंकि इसमें ब्राह्मी डाला हुआ है जो कि बच्चों के
नर्वस सिस्टम को बहुत तेज करता है, उसकी ब्रेन पावर मेमोरी पावर को इंक्रीज करने का काम करता है, समझ में आ रहा है। तो छोटे बच्चों को एज ए हॉर्लिक्स आप सबको किड डॉग जरूर पिलाना चाहिए, बहुत अच्छा कमाल का प्रोडक्ट है। क्लियर है? लेना कैसे है? छोटे बच्चे हैं तो 5 ml पिलाओ, 1 साल से बड़ा है तो 10 ml पिलाओ, और 3 साल से बड़ा है तो 15 ml पिलाओ। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला प्रोडक्ट हमारा मास डॉग, जो अभी नया प्रोडक्ट आया हुआ है, और अब मुझे लगता है ये मास डॉग शायद 25 SP का प्रोडक्ट है क्या? 25 SP का है ना? एक ही प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग हो जा रही है, आया ना? ये पूरा प्रोडक्ट पूरा घर खा सकता है, पूरा घर पी सकता है ना? ये प्रोडक्ट वेट गेन करने के लिए है, इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, 70% प्रोटीन है, विटामिन है और मिनरल्स भी है। तो मतलब ऐसे दाल चावल आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, एथलीट्स वाले जो लोग हैं, इनको ये प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब जिसको अपनी वेट बढ़ानी हो, या जो दिन भर में खाना कम खा पाता हो, कई लोग है ना जो दिन में खाना नहीं खाते, नेटवर्कर, तो यार कब खाए कब ना खाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, या ना? तो आप लोगों को मास डॉग जरूर रखना चाहिए, नहीं तो वो स्टोरी हम बताते हैं ना कि थे 96 किलो का, नेटवर्किंग करते 3 साल हो गया, हो गए 74 किलो के, तो बोलेगा भाई हेल्थ कैसे सही हो रहा है, हेल्थ तो खराब हो रहा है। मास डॉग इस्तेमाल आप लोग घर में रखा कीजिए। मास डॉग को आप फ्रूट में मिला के भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा। केले को ऐसे बीच में फाड़ के उसमें आप मास डॉग अंदर डाल के और उसको सेवन कीजिए, गजब की वेट बढ़ाएगी। मतलब मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर अगर आपने 1 डब्बा पूरा कंज्यूम कर दिया तो आपकी वेट 5 किलो 6 किलो ऐसे बढ़ा देगी। अच्छा अभी सब है ना जो दुबले पतले बेचारे उनको देख रहे हैं। अच्छा हम लोगों का क्या काम ऐसा है ना कि कल्चर ही ऐसी है, हमें हर मोटा इंसान में ओबियोडो का लोगो दिखाई देता है, ऐसा है ना? अच्छा कोई भी अगर ऐसे लंगड़ के चल रहा है तो हम उसके पीठ पीछे ऑर्थोडो का लोगो लगा के देखना शुरू कर देते हैं। तो जैसे यहाँ बैठे जितने भी बेचारे थोड़े से ऐसे दुबले पतले हैं, जैसे मैंने बोला मास डॉग, वो सब उसको देखना शुरू किए। अच्छा वो अगर कोलाइन है तब तो छोड़ दो, अगर डाउनलाइन है तब तो उसको और देख रहे हैं कि बेटा अभी 27 SP से ज्वाइन हुआ था, ले 25 SP, बोला था ना 52 SP से आ जाए। मजाक कर रहा था मैं, रियल में ये प्रोडक्ट बहुत फायदेमंद है। और देखिए बॉडी का ओवरवेट होना और बॉडी का कम वेट होना दोनों खतरनाक है, समझ में आ रहा है? जैसे बॉडी आपकी कम वेट होने लगे आप मास डॉग इस्तेमाल कराइए। ये मास डॉग आप छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं मैक्सिमम छोटे बच्चे को देखता हूँ कि हाइट ग्रोथ होने की वजह से उनकी जो ये है वो थोड़ी कम हो जाती है। मास डॉग चर्बी नहीं बढ़ाएगा, याद रखना, कई लोग ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखना कि ये चर्बी बढ़ाएगा, ये चर्बी नहीं बढ़ाता। मास डॉग मसल्स को बढ़ाता है, मसल्स को बिल्डअप करता है, समझ में आ रहा है? आप जिम करो, ये मास डॉग आप इस्तेमाल करो, आपके सामने वो सब ऑन प्रोटीन और जो बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं ना वो सब फेल है। आपको पता है एक एक प्रोटीन पाउडर 1-1 kg 12-12 हजार के आते हैं ओरिजिनल वाले, आप जिम में अगर कोई जाता है तो उनको पता होना चाहिए, 12-12 हजार के, 8-8 हजार के आते हैं। अपना तो मुझे लगता है 4 या 5 हजार का है ना, कितने का है? 4 हजार का है। तो बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं, 100% आयुर्वेद, समझ में आ रहा है? 2 टाइम इसको इस्तेमाल कीजिए, और बहुत ज्यादा पत्ते हैं तो 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। 20-20 ग्राम 25-25 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है, 1 डब्बा 1 महीने के अंदर कंज्यूम होना चाहिए, तब रिजल्ट आएगा, समझ में आ रहा है? सूंघने से रिजल्ट नहीं आएगा, खाना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट, और उसी के साथ है मसल्स डॉग, विप्रो डॉग, दोनों हम सेम लगभग है, ये बिल्कुल मसल्स बिल्डिंग के लिए है। ये प्रोडक्ट खास करके हम उनको रिकमेंड करते हैं जो एथलीट और जिम पर्सन है, जो बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए है। अगर नॉर्मल लोग इसको इस्तेमाल करोगे तो आपकी चर्बी को बढ़ाएगा, समझ में आ रहा है? तो हैवी एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनको ये मसल्स डॉग, ये मस्कुलर कट्स बनाने में हेल्प करता है। इसमें हेल्प करता है मस्कुलर कट्स बनाने में हेल्प करता है, मतलब बिल्कुल ऐसे बॉडी दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ऐसे बॉडी ये बना देता है, समझ में आ रहा है? तो मसल्स डॉग और हम इसका भी कॉम्बिनेशन लोगों को दे सकते हैं, जो मास डॉग है दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, लेकिन ये मैं उनको रिकमेंड करता हूँ जो जिम वगैरह करते हैं, समझ में आ रहा है?
अच्छा देखो मैं आपको बताऊं, जो जिम में जितने भी प्रोडक्ट लोग इस्तेमाल करते हैं आपके एरिया में, बनारस में तो बहुत सारे जिम है या नहीं है? आप उनके मालिकों से मिलो और उनसे पूछना कि भाई साहब जो आप लोग प्रोटीन देते हो और जिम में ना ऐसा प्रोटीन लोग दे देते हैं तो इतने जोर जोर से एक्सरसाइज करा देते हैं बेचारे दो दिन तक सो जाते, तीसरे दिन बेहोश होने लगते हैं। और कोई आया उधर से, वो चार डंबल ऐसे उठाया, दो बार मारा, वो बेहोश हो जाता है ना। कई लोग तो ऐसे डंबल पे ही गिर जाते हैं बेचारे। तो इतना हैवी एक्सरसाइज कराते हैं, डोज लोगे नहीं तो मरोगे ही। अब उनको डोज लोग दे देते हैं वो प्रोटीन पाउडर, 8,000, 10,000, 12,000 वाली प्रोटीन पाउडर, जो कि बहुत नुकसानदेह होता है। आप ये प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो जिम प्रोटीन होती है मार्केट वाली, जिम प्रोटीन किडनी को खराब कर देता है, किडनी आपकी डैमेज कर देगा। इस AGPT AGOT की टेस्ट देखेंगे तो बहुत बड़ा आने लगेगा, लीवर डैमेज कर देता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये लीवर को डैमेज नहीं करेगा। दूसरी चीज, आप जा सकते हैं जिम वाले जो ट्रेनर हैं उनके पास और उनसे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि भाई तू मेरा प्रोडक्ट भेज। एक्चुअल बाहर वाले जो जिम प्रोटीन होते हैं 12% 15% के मार्जिन देते हैं और हमारा प्रोडक्ट 45% कितना 45% की मार्जिन है यार, इनको सही नहीं। 20% रिटेल प्रॉफिट, 10% मैचिंग और 15% लेवल, कितना हुआ? अरे जब कोई हमारा मसल्स डॉग बेचेगा, मसल्स डॉग, स्लिम डॉग, फिट डॉग, ये सब जिम में बिकेगा नहीं बिकेगा? जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आईडी लेके और आईडी लगाने में शर्म आएगी क्या? तो लगा के 25% और दिला देना, उसको नॉर्मली मिलता है 15%, लेकिन आप दोगे तो कितना मिलेगा? 45%। लेगा नहीं लेगा? यस या नो? बस लिस्ट निकालो और बनारस के जिमों का नाम लिखो, गोल्ड जिम, किंग हेल्थ क्लब और बॉब जिम, और सबसे मिलना शुरू कर दो आज के बाद। इसको बढ़ा नहीं बढ़ा? यस या नो? चलिए नेक्स्ट, अगला प्रोडक्ट है स्लिम डॉग। एक बंदा मुझे फोन किया, बोला सर मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि फिट डॉग लड़कों के लिए और स्लिम डॉग लड़कियों के लिए। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोला सर स्लिम डॉग में लड़की छापी हुई है और फिट डॉग में लड़का छापा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना, ये केवल सिंबल बनाया हुआ है। स्लिम डॉग खास करके आपकी बेली फैट को, मतलब जो पेट की जो फैट है इसको कम करने करने का काम करता है, समझ में आ रहा है? इसको बहुत ज्यादा रिड्यूस करता है, ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आप स्लिम डॉग का जो कार्डियो पेशेंट होते हैं उनको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं इनफैक्ट, क्योंकि अंदर की जो खतरनाक कोलेस्ट्रॉल्स होती है उस कोलेस्ट्रॉल को भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, समझ में आ रहा है? और इसको हम लोग ज्यादातर ओबियो डॉग के साथ देते हैं, या जिसके पास भी पेट है और एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है वो लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? शुगर पेशेंट, बहुत मोटा तगड़ा, स्लिम डॉग के साथ आप डाइवो डॉग चलाओ, रिजल्ट बढ़ेगा। थायराइड पेशेंट, बहुत मोटा तगड़ा, स्लिम डॉग के साथ आप थायरॉइड डॉग चलाओ, रिजल्ट बढ़ा देगा, समझ में आ रहा है? वेट कम करता है आपका। घुटने का दर्द वाले जो लोग मिलेंगे बहुत मोटा तगड़ा, तो उनको ऑर्थो डॉग वाले कॉम्बिनेशन के साथ स्लिम डॉग एक साथ में दे देना या फिट डॉग, रिजल्ट बढ़ा देता है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये सब कैसे लेना है बताने की जरूरत है क्या? ये पाउडर है यार, खाने के बाद ले लो, खाने से पहले ले लो, गुनगुना पानी में घोल के मार लो। एक चम्मच 10 ग्राम 20 ग्राम ऐसा इस्तेमाल करना है, ठीक है? नेक्स्ट है अपना फिट डॉग। तो फिट डॉग एक पाउडर भी आता है और फिट डॉग एक टी भी आता है, ये टी भी और पाउडर भी है, और इसका भी काम है वेट रिड्यूस करना, समझ में आ रहा है? इसका भी काम है वेट रिड्यूस करना। फिट डॉग भी आपका वेट रिड्यूस करता है, एंटीऑक्सीडेंटरी प्रोडक्ट है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट है, इसको भी कैंसर वाले भी यूज कर सकते हैं, है ना? अब आप पूछोगे सर किसको स्लिम डॉग दे और किसको फिट डॉग, बहुत मोटा हैवी है उसको फिट डॉग के साथ देना, और बहुत अगर नॉर्मल सी वेट कम करना है तो उसको आप स्लिम डॉग के साथ देना। और दूसरा चीज देख लेना किसके पॉकेट में कितना पैसा है, उसके अकॉर्डिंगली दे देना, समझ में आ रहा है? क्योंकि लगभग इनके जो वर्कआउट है बहुत सेम है। जो फिट डॉग है, फिट डॉग में इम्यून बूस्टर भी डाला हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, स्लिम डॉग से ज्यादा पावरफुल है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अगला है हाइट डॉग।
आज ना हिंदुस्तान के लोग बहुत छोटे होते जा रहे हैं। पुराने जमाने में लोग, अगर आप कभी धर्म ग्रंथ पढ़े तो राम की जो हाइट थी वो 8.5 हाथ की थे। कितने थे? 8.5 हाथ। और हम लोग कितने हाथ के होते हैं? कितना? 3.5 होते ना। इससे 3.5, हर कोई अपने हैंड का 3.5 हाथ का होता है। अगर एक्चुअल हाइट देखे तो कोई 4 फीट 5 फीट जो भी रहे, लेकिन इसका 3.5 होता है। पहले लोग कितने होते थे? 8.5 होते थे। तो लगातार लोगों की हाइट है ना बहुत छोटी होती चली जा रही है। कई लोग तो ऐसे भी मिलेंगे जिनको आप बुलाओ और बोले कि अरे बेटा आ जाओ मिलो, बोले भाई मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ। कितने से होते हैं? होते नहीं होते हैं। यस या नो? हाइट क्यों नहीं बढ़ पाती है? हाइट ना बढ़ पाने का सबसे बड़ा रीजन है हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम में डैमेज होना। जो हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है, मतलब हड्डियों का जो ढांचा होता है, तो हड्डियों के ढांचे में हमारी जो हड्डियां होती है उसमें हड्डी बनना और बिगड़ना लाइफ टाइम चलते रहता है। मतलब हड्डी टूटता है और बनता है, समझ में आ रहा है? तो हड्डी जिस समय टूट रहा होता है, अगर उस समय कैल्शियम डाल दिया जाए तो सीमेंटिंग वो बढ़ जाता है हाइट। और अगर वो ना मिला, ये दो रीजन होता है, एक जेनेटिक भी होता है, जीन ही अगर बहुत छोटा वाला है तो कुछ काम नहीं होगा, और विदाउट जेनेटिक भी होता है, समझ में आ रहा है? 24 साल की एज तक एक इंसान की हाइट बढ़ती है, और उस एज तक उस हाइट को इंक्रीज किया जा सकता है विथ इन्फ्लुएंस, डाइट सही करके, समझ में आ रहा है? तो अपना जो हाइट डॉग है वो हाइट को बढ़ाने का काम करता है। तो जाहिर सी बात है इसमें जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम युक्त इंग्रेडिएंट इसमें इसके अंदर डाले गए होंगे। तो 24 साल तक किसी की भी उम्र हो रही है जिसको लगता है कि मुझे अपनी वजन बढ़ानी चाहिए, वो लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। आज के रेट में भाई साहब हाइट बढ़ाना बहुत जरूरी है। आया ना? लंबे हाइट होने के फायदे भी होते हैं। अगर हाइट छोटी हो, नीचे उतर के ट्रेनिंग दे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कौन है, है ना? तो जो जिनकी 24 साल उम्र नहीं हुई है उनके पास ऑप्शन है, 24 साल के बाद वाले भी ट्राई करके देख सकते हो, अगर बढ़ा तो ठीक और नहीं बढ़ा तब भी ठीक। लेकिन 24 साल वाले को आप गारंटेड दे सकते हैं। किसको देना है? 24 साल से नीचे वाले को। ऐसा नहीं कि 50 साल से ऊपर वाले को। अब अगर कोई आरपी सर को बोले कि सर 6 फीट का कर दूंगा तो ये खाजा 10 बोतल 10 डब्बा खाजा कुछ नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा है? 24 साल से नीचे वाले की हाइट जल्दी इंक्रीज कर रही होती है, और उस समय बूस्टअप देने से हाइट बढ़ जाती है। कई बच्चों की हाइट खाना पीना अच्छा न होने के कारण भी रुक जाता है। तो आपको अपने बच्चों को हाइट डॉग और किड डॉग जरूर पिलाना चाहिए, मुझे लगता है। हाँ या ना? अगर चाहते हो कि आपके बच्चे की हाइट सही हो तो उसको हाइट डॉग और किड डॉग पिलाना, और अगर नहीं पिलाए तो 10 साल बाद गला पकड़ के बोलेगा साला पिलाया नहीं इसलिए मैं नहीं बढ़ा, ऑप्शन तो था तेरे पास। आया ना? नेक्स्ट, हाई डॉग कैसे? दूध में मिला के खाने के बाद आप डेली पिलाइए, या सुबह जैसे आप बॉर्नविटा हॉर्लिक्स पिलाते हैं उस तरीके से इस्तेमाल करवाएंगे। बहुत अच्छा प्रोडक्ट अभी आपके बीच मेगा डॉग, और मैं बड़ा दिन से इस प्रोडक्ट की वेट कर रहा था। मैं कई बार कंपनी लेवल पर मैंने खुद बात किया था कि सर अगर ये प्रोडक्ट आ जाएगी तो जो रिजल्ट जो अभी आ रहा है ना उसमें मतलब 4 गुना स्पीड बढ़ा देगा। ओमेगा डॉग जो कैप्सूल है, इट इज द रिच सोर्स ऑफ ओमेगा कैप्सूल। ये जो ओमेगा वाली मछली में से निकाला जाता है, लेकिन ये मछली वाला नहीं है, समझ में आ रहा है? ओमेगा कैप्सूल मुझे कई बार मार्केट से खाने का लेने का मौका मिला, लेकिन मैं जब उसमें इंग्रेडिएंट देखा तो नॉनवेज कैप्सूल था, मछली की तेल से बनाई जाती है ओमेगा। लेकिन ओमेगा 3 बहुत सारे प्लांट में भी पाए जाते हैं जिसकी एक्सट्रैक्शन एक बहुत हार्ड प्रोसेस होती है। तो ओमेगा 3 जो कैप्सूल है ये वेजिटेरियन है, इसलिए देखो यहाँ पे आपको लोगो भी लगाओ है ना, यहाँ दिख रहा है ना? तो वेजिटेरियन है, ऐसा मत समझना कि मछली वाला है। ये आयुर्वेदिक कैप्सूल है, इसमें नॉनवेज ओमेगा 3 अर्थराइटिस पेन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अर्थराइटिस घुटने का दर्द जो हो रहा है, अर्थराइटिस जो हो रही है जिसको हम लोग गठिया बोलते हैं, तो गठिया के पेन को रिड्यूस करने में ओमेगा 3 कैप्सूल का बहुत बड़ा रोल है। आपको आंखों की समस्या कितनी भी खतरनाक हो, इवन आज तक आपकी जितनी भी दवाई बने ओमेगा 3 से बनी है, लेकिन सब मछली वाले एक्सट्रैक्ट के होते थे। ओमेगा 3 कैप्सूल आपकी ब्रेन की पावर के लिए और आई की पावर को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है।
एक और खास बात, जब आपका बेबी 3 महीने का पेट में होता है, जो भी कोई भी अगर प्रेग्नेंट वीमेंस है उनका बेबी 3 महीने का पेट में अगर होता है, उस टाइम पे अगर आप वो महिला को ओमेगा 3 इस्तेमाल करवा देती हैं, तो आपने सुना होगा कि अभिमन्यु पेट में इसलिए गया था, चक्रव्यूह कैसे भेजा जाता है, आपका बच्चा भी दिमाग से उतना मजबूत हो जाने वाला है, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त पावरफुल प्रोडक्ट है। क्योंकि उस समय में एक बच्चे को ब्रेन और जो बॉडी की जो ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ करने के लिए कोई ना कोई टेबलेट चाहिए। अभी देखो मुझे एक आया कि याद आ गया, ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ था, एक बंदा मेरे पास आया था, बोला सर हमारा जो बच्चा है वो 8 महीने का या 7 महीने का है, और डॉक्टर बोल रहा है कि वो जुड़वा होने की वजह से उसकी बॉडी की पूर्ण डेवलपमेंट नहीं हो पाई। अगर ओमेगा 3 ऐसे बच्चे को दे दिया जाए जिनको डॉक्टर बोल रहा है कि पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, अभी डेट में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो लोग खाना कम दवा ज्यादा खा रही है, यस या नो? और ये वजह हो रहा है कि जब बच्चा डिलीवर होता है तो दुनिया में कम शीशे के रूम में बहुत ज्यादा रखा जाता है उसको, मैक्सिमम केस में मैं देख रहा हूँ कि बच्चे को शीशे के, कहाँ है भाई बच्चा नॉर्मल। हमारे जमाने में बच्चा जब धरती से बाहर आता था तो माँ बाप का प्यार मिलता था, यहाँ शीशे का प्यार मिल रहा है, यस या नो? आप ओमेगा 3 कैप्सूल उन लोगों को इस्तेमाल करवा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओमेगा 3 कैप्सूल हार्ट स्ट्रोक की रिस्क को खत्म करता है, यानी किसी को अगर हार्ट डिजीज है, ओमेगा 3 कैप्सूल आप इस्तेमाल करवाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आंखों के लिए रामबाण है ओमेगा 3 कैप्सूल, समझ में आ रहा है? ये आंखों से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, देखो मैं भी चश्मा जो पहना हूं ना, तो अभी मैं भी ओमेगा 3 कैप्सूल अभी इस बार ऑर्डर किया हूं, आने वाला है। तो एक्चुअली ये चश्मा जो मैं पहना हूं, ये एंटी रेडिएशन वाली चश्मा है, इसमें रेडिएशन अंदर नहीं जाता है ना। ये बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन लगातार, अभी 1.5 महीने से मैं कई सारी ट्रेनिंग डिजाइन कर रहा था, जिसकी वजह से ये चश्मा मुझे लगाना पड़ा है, नहीं तो ऐसा नहीं, इसके बिना भी मुझे दिखाई देता है, मैं सबको देख सकता हूं। अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है तो आप ओमेगा 3 टेबलेट डेली सेवन करना शुरू कीजिए, एक एक टेबलेट 3 टाइम। कैसे इस्तेमाल करना है? एक एक टेबलेट 3 टाइम, मैं गारंटी बता रहा हूं, 6 महीने बाद आपका चश्मा उतर जाएगा, जबरदस्त रिजल्ट आने वाला, सुपर रिजल्ट आने वाला है इस प्रोडक्ट का। अभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मैं ओमेगा 3 की क्वालिटी से आपको बता रहा हूं, और खास करके जो ओमेगा 3 प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट आर 3 टाइम पावरफुल देन द ओमेगा 3 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फिश और सी फूड। जो सी फूड से निकाले गए या मछलियों से निकाले वाले जो ओमेगा 3 होते हैं, उससे ज्यादा पावरफुल प्लांट ओमेगा 3 होता है, ये साइंटिस्ट बोलता है, मैं नहीं, समझ में आ रहा है? तो आंखों के लिए अभी जितने भी लोग हैं जो चश्मा लगाए हुए हैं या जिनको आंखों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन सारे लोगों का आप ओमेगा 3 कैप्सूल बिल्कुल एज ए ओमेगा 3 और बीटाडोर, ये 2 कैप्सूल आंखों की अगर किसी को शिकायत हो रही है, ये 2 चीज रेगुलर डेली खाने के बाद या खाने से पहले 3-3 टाइम एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करना शुरू कर दो, आंखों के लिए बिल्कुल रामबाण है ये 2 चीज, समझ में आ रहा है? ओमेगा 3 कैप्सूल आप एज ए फूड सप्लीमेंट ओबेसिटी वाले को दे सकते हैं, कैंसर के लिए रामबाण होगा तुम्हें ओमेगा कैप्सूल। कैंसर अगर किसी को है, क्लोरोडॉग नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कुर्की डॉग ओमेगा कैप्सूल के साथ आप दीजिए, क्लोरोडॉग की टक्कर के रिजल्ट आने वाली है, समझ आ रहा है? एक एक कैप्सूल लेना है, 2 टाइम 3 टाइम, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, हाँ, ओमेगा कैप्सूल लेडीजों को जरूर यूज करना चाहिए, 3 बार ओमेगा कैप्सूल लेडीज को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, खास करके वैसी महिलाएं जिनको मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर होता है, मेंस्ट्रुएशन पेन में ओमेगा कैप्सूल बहुत अच्छा रोल अदा करता है। तो अगर आपको इस तरह की केसेस अगर कहीं पे मिलती है, मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर लिकोरिया की शिकायत, तो आप गाइनो डॉग के साथ ओमेगा कैप्सूल जरूर से जरूर रिकमेंड करें, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है इसका। हाँ जी, आंख छोटा हो गया, गांठ की समस्या, सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलिए, गांठ की समस्या सर, गांठ हो जाना, गांठ, गांठ जिसको हो गया ना, तो गांठ की समस्या के लिए कुर्की डॉग और ओमेगा कैप्सूल इस्तेमाल करवाइए, रिजल्ट आएगा। चलिए हम लास्ट में बात करेंगे, ओके, लास्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट, अगला है अपना बीटा डॉग,
भरपूर विटामिन, जितने भी विटामिन होते हैं सारे विटामिन को मिला के यूज किया हुआ प्रोडक्ट है। अच्छा आप लोग खुद बताइए आपके खाने में क्या क्या आप लोग लेते हैं, दाल चावल सब्जी और रोटी और झूठ बोल रहे हो, सलाद सब खाते हो, फ्रूट खाते हो खाने में, सच बोलना डेली फ्रूट खला खाते हो खाने में, सारे लोग डेली खाते हो फ्रूट, मुझे पता है ना नहीं खाते हैं, यस या नो। तो हमारे खाने में 100% विटामिन्स मिनरल्स प्रोटीन इसका समावेश हो ही नहीं पाता, और ये जो छोटी छोटी समस्याएं केवल इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि या तो विटामिन्स की कमी हो रही है, आंखों की प्रॉब्लम क्यों होती है विटामिन की कमी से, रतौंधी क्यों होता है विटामिन की कमी से, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां क्यों हो जाती है विटामिन की कमी से, समझ में आ रहा है। तो ये जो बीटा डॉग है ये भरपूर विटामिन्स प्रोडक्ट है, क्या है ये भरपूर विटामिन्स प्रोडक्ट है, यानी कि बीटा डॉग इस्तेमाल करोगे और आप बीटा डॉग नॉर्मल खाने जैसे इस्तेमाल कीजिए, खाने के टेबल पे बीटा डॉग रखा कीजिए, खाने के बाद एक गोली एक एक परिवार को खिला दो, जो बचा कुचा सप्लीमेंट है वो इसको मिल जाने वाला है, समझ में आ रहा है। ये कोई दवा नहीं है, ये बिल्कुल आप जैसे दाल चावल खा रहे हो वैसे खा सकते हैं आप, और ये टेस्टलेस होगा, मतलब इसको लेके आप चबा के इसको खा सकते हो, पानी के साथ पी सकते हो, टेस्टलेस होता है विटामिन कैप्सूल, टेस्टलेस होता है, समझ में आ रहा है। और किसी को मुंह में छाले हो जाते हैं तो क्या देते हो, विकासूल, क्या है वो विटामिन है, आप ये दे देना रिजल्ट आएगा बीटा डॉग से, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आंखों के लिए, दिमाग के लिए और बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए बीटा डॉग बहुत अच्छा फायदेमंद है, नॉर्मल खाने के जैसा इसको इस्तेमाल होना चाहिए, यानी हमारे हर डिस्ट्रीब्यूटर के टेबल पे बीटा डॉग जरूर होना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, डेली एक कैप्सूल भी अगर आप पूरे परिवार को खिलाते हो तो आपकी, यार मुझे लगता है कि जो सब्जी का रेट चल रहा है और चावल का रेट चल रहा है उससे तो सस्ता ही होगा मेरे ख्याल से, तो एक कैप्सूल भी अगर डेली खिला देते हो तो बहुत अच्छा है, एक से एक दो कैप्सूल आपको डेली खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला है डाइजी डॉग, ये इट्स लाइक अ डाइजीन, डाइजीन टाइप का है, खाने के बाद अगर डाइजेशन अच्छा करना है तो खाने के बाद इसको तुरंत लेना होता है, जैसे आप हाजमोला खाते हो तो ये हाजमोला टाइप प्रोडक्ट है, पेट में अल्सर ना बन जाए, पेट में गैस ना बन जाए, इसलिए डाइजीन टाइप मतलब खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपको डाइजो डॉग ले सकते हैं, तो खाने के बाद तुरंत इसको आपको लेना होता है। या एक आप प्रचार सुनते हो ना वो राजू श्रीवास्तव का, पेट साफा सब रोग दफा, है ना, तो डाइजी डॉग इज अ पेट सफा ऑफ स्लीपियर्स, समझ में आ रहा है। तो एज ए पेट सफा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को सोने से पहले पेट सफा इस्तेमाल करके सोइए, गुनगुना पानी लेके पाउडर 10 ग्राम 20 ग्राम पी खाइए और पुनः पानी पी लीजिए, सुबह तक आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। खास करके कई लोगों को जो सुबह में फ्रेश होने की जो समस्या आ रही है, गैस बहुत ज्यादा बॉडी में बनता है, उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा फायदेमंद है, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला प्रोडक्ट है फिनल ड्रॉप, फिनल ड्रॉप इज अ सौंफ, सौंफ है ये, क्या है सौंफ का लिक्विड है, लिक्विड सौंफ इसको बोलते हैं हम, सौंफ क्यों खाते हैं खाने के बाद, होटल में जाते हो ना तो सौंफ और थोड़ा सा मिश्री क्यों देता है, सौंफ और मिश्री क्यों देता है खाने के बाद होटल में, डाइजेशन को बढ़ाने के लिए सौंफ और मिश्री खाने से जो हमारी एंजाइमल सेक्रीशन है वो इंक्रीज कर जाती है, समझ में आ रहा है। और जब एंजाइम अच्छे मात्रा में बॉडी से निकलेगा तो क्या होगा, खाना अच्छे से पचेगा। तो आजकल हर चीज रेडीमेड हो गया, आप कितना सौंफ लेके तो कोई घूम नहीं सकता, इसलिए फिनल ड्रॉप दिया है एस्लिपियस ने आप लोगों को, ये सबके घर में होना चाहिए, होटल वाले को भी देना शुरू कर दो, लोग सौंफ का ट्रे लेके दौड़ते हैं, उससे बढ़िया है एक ग्लास पानी में सौंफ फिनल ड्रॉप डाल के और ले जाके दे देंगे, सर इसको पी लीजिए। अच्छा फिनल ड्रॉप ये नया नहीं है, 7-स्टार होटल में कोई गया है, नहीं गए, मैं गया हूं, जब 7-स्टार होटल में आप खाना खा के उठेंगे तो मुझे एक्चुअल अभी समझ में आया ये फिनल ड्रॉप है, तो वो लोग अलग अलग कलर की पानी देते हैं आपको, जब खाना खा के आप उठेंगे, हाथ आप हैंड वॉश किए उसके बाद जब आप खड़े होंगे
तो आपको अलग अलग निकलने से पहले अलग अलग छोटे छोटे, इतना छोटा छोटा ग्लास होता है, अलग अलग कलर की पानी देते हैं जिसमें, और वो बोलते हैं सर इसको इस्तेमाल करने से जो खाना होता है ना वो इजिली डाइजेस्ट होता है, समझ में आ रहा है। वो सौंप नहीं देते सेवन स्टार, आपको सौंप लेके कभी भी सेवन स्टार या फाइव स्टार वाले दौड़ते हुए नहीं मिलेंगे। हालांकि बनारस में तो सब बराबर है, यहाँ तो उसके बिना लोग रहते नहीं है, लेकिन आप ITC मौर्या में जाइए या आप ताज में कभी जाइए, है ना, वहां पे आपको वो देंगे स्टार्ट। एक ग्लास पानी होता है और उसमें कोई लिक्विड होता है जो अलग अलग कलर की होती है, और उसको पीने से रियल में खाना बहुत अच्छा डाइजेस्ट होता है। उसमें वो लोग फिनल ड्रॉप ही डालते होंगे, नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन सौंफ का जो जूस होता है वही डालते हैं। तो आपको फिनल ड्रॉप भी हर घर में इस्तेमाल किया जा सकता है, लोगों को रिकमेंड किया जा सकता है। जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं सबके यहाँ विजिट करो और फिनल ड्रॉप बोलो कि सर आप लोग इस्तेमाल कीजिए, आप कस्टमर का फीडबैक दीजिए, और अगर फीडबैक आता है तो हम आपको और सप्लाई करेंगे। नहीं किया जा सकता है क्या? यस या नो? तो लिस्ट में आपकी अब और कौन बढ़ गया? जिम वाले भी मैंने बढ़ा दिया था, और किसको बढ़ा दिया? रेस्टोरेंट वाले को भी लिस्ट बना के विजिट करो, उनके यहाँ फिनल ड्रॉप ले जाके कर सकते हो। अभी तक क्या था हमारा टारगेट? हॉस्पिटल केवल होता था, हाँ या ना? हम बोलते थे पर्ची कहाँ लेके जाओ? हॉस्पिटल में। लेकिन अभी आपके टारगेट बढ़ गए, जिम में जा सकते हो, रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े होटल्स में जा सकते हो, वहां पे आप डेमो देके अपने प्रोडक्ट रखवा सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है स्टीविया डॉग। स्टीविया डॉग इज आयुर्वेदिक स्वीटनर। क्या है ये? आयुर्वेदिक स्वीटनर। जब भी किसी को डायबिटीज होता है, डाइवर डॉग होता है, तो उनको ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए लोग बोलते हैं शुगर फ्री इस्तेमाल करो, हाँ या ना? और शुगर फ्री खुद एक केमिकल है एक्चुअल में। जो शुगर फ्री लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, शुगर फ्री के जो टेबलेट इस्तेमाल करते हैं घर में, जिसको डायबिटीज हो गया उसको चाय वगैरह बनाने के लिए, तो शुगर फ्री खुद एक केमिकल है एक्चुअल में। लेकिन स्टीविया डॉग, एक स्टीविया नाम का ये पौधा होता है, ये आप देखिए इस तरह का होता है, ये अपने एरिया में कहीं कहीं दिखेगा। इसकी पत्तों से निकाला जाता है स्टीविया को, समझ में आ रहा है? इसकी जो रस होती है बहुत मीठी होती है। तो एक ड्रॉप जो रस होता है, इट्स 3000 टाइम स्वीटर देन शुगर, चीनी से 3000 गुना मीठा होता है। तो आपके घर में अगर बारात आए तो कोल्ड्रिंक भूल जाना, और एक ड्रम पानी में केवल एक स्टीविया डॉग खोल के पूरा डाल देना, मीठा हो जाएगा। अब अपना टारगेट कौन हो सकता है? बराती नहीं, मिठाई वाला भी हो जाएगा यार। आप अच्छे अच्छे जो मिठाई वाले हैं यहाँ पे, कौन है यहाँ का सबसे? क्षीर सागर, राजश्री, अच्छा है बंगाल स्वीट, तो इनके यहाँ आप विजिट करो, वो लोग शुगर फ्री मिठाई बनाते हैं, बनाते हैं ना? तो आप शुगर फ्री मिठाई बनाने वाले को क्या दे सकते हो? स्टीविया डॉग। देखो टारगेट कितने बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर ना कमा पाए पैसा तो ऊपर जाके माफ मत करना, ऊपर वाला भी आपको ना उठा के नरक में भेजेगा। तो अभी आपके टारगेट कौन बढ़ गए? जितने भी मिठाई वाले हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और पर्सनली आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ में आ गया? जीरो कैलोरी होता है इसमें। शुगर क्यों नुकसानदेह है? क्योंकि शुगर में बहुत हाई कैलोरी पाया जाता है। स्टीविया डॉग में जो कैलोरी होता है वो क्या होता है? लो कैलोरी होता है, इसलिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए। शुगर वाले जितने हैं सबको साथ में स्टीविया डॉग दे जाओ, शुगर फ्री की जरूरत नहीं है। अपने पास शुगर फ्री भी हो गया, दुकान में रखवा सकते हो स्टीविया डॉग को। यस या नो? यस या नो? इसको बढ़ रहा है ना? चलो नेक्स्ट। अगला है अपने पास बेरी डॉग जूस। सुबह सुबह जूस पीना चाहिए, यस या नो? लेकिन डेली सुबह उठ के जूस निकलवा के कौन लाए? ये झमेला है या नहीं है? ये लफड़ा है या नहीं है? तो बहुत आसान है, आपके पास बेरी डॉग जूस आप लोग पीना शुरू कर दीजिए। इसमें दो एक बेरी डॉग पाउडर है, तो बेरी डॉग पाउडर को पानी में घोल के पीना है, ठंडा पानी लेके उसमें एक चम्मच दो चम्मच, जैसे आप लोग ग्लूकोज पीते हैं ना, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जैसा ये पाउडर है जिसको आप पीना शुरू कर दी, पिलाना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा ये फायदेमंद प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, समझ में आ रहा है? और आपको रियल में ये सब प्रोडक्ट क्या डेली यूज का प्रोडक्ट हो गया, हर किसी को आप दे दो, अपने घरों में इस्तेमाल करो। बेरी डॉग जूस एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, हाइपरटेंशन में बहुत हेल्प करेगा, ओबेसिटी में भी बहुत हेल्प करेगा, और ताकत देता है, इंस्टेंट ताकत, ग्लूकोज टाइप की ताकत देने के लिए जूस है। बाकी
आपके घर में कोई मेहमान आता है, अभी तक हम लोग क्या देते थे, रसना देते हैं या कोल्ड ड्रिंक देते हैं, तो आप उनको बेरी डॉग जूस दे सकते हैं, यस या नो? और इसको बनाना भी बहुत आसान है, आप बेरी डॉग जूस ना ले, आप बेरी डॉग पाउडर भी ले सकते हैं, कहीं भी अपने बैग में डाल के घूम सकते हैं, कभी भी प्यास लग गई या भूख लग गई तो अपने बोतल में दो बार डालने का, इसको दो बार बोतल हिलाने का और पी लेने का, दिन भर की ताजगी आ जाने का, है ना तगड़ा चीज, यस या नो? नेक्स्ट,